लोग जानते हैं कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस दिन क्या हुआ था, इंप्लीमेंट हुआ था, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और वो मात्र बना है 2 महीने के अंदर, ठीक है। तो कुछ दिन की याद में हम हर 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे के तौर पे मना रहे हैं, ठीक है। तो ये याद है इसलिए कि आप लोग स्कूल तो जा नहीं रहे हो, कोचिंग के अंदर पढ़ रहे हो, आपको स्कूल की याद ताज़ा करवाने के लिए। चलिए तो आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर क्या रहेगा आज हमारा, आज हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रल्स। तो जिसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, इंटीग्रल्स के अंदर पार्ट वन है ये हमारा। तो इसके अंदर हम डेफिनेट और इनडेफिनेट दोनों देखने वाले हैं, ठीक है। और आप लोगों को पता है हमारी PYQ सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, जिसके अंदर हम जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट है, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर के अंदर आ चुके हैं। और आप जब ये क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इन्हीं से रिलेटेड, इन्हीं कंसेप्ट से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस आते हैं जेईई मेंस के अंदर। बस उनका थोड़ा सा चेहरा चेंज कर दिया जाता है, ठीक है, या ऐसे बोले कि मास्क चेंज कर दिया जाता है, पीछे का जो चेहरा रहता है वो सेम ही रहता है। तो कंसेप्ट हमारे वही रहेंगे, हमारे क्वेश्चंस हैं वो चेंज होते जाने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब मैंने आपको इस सीरीज को मैंने रिवीजन एंड प्रैक्टिस नाम दिया है और द लास्ट वीडियो। अब रिवीजन एंड प्रैक्टिस कैसे करनी है हमको, आप जानते हैं सभी लोग कि हमें वीडियो के फ्लो के साथ साथ क्वेश्चन को सोल्व करते जाना है। और जिन्होंने प्रैक्टिस, जिन्होंने पहले ये चैप्टर्स पढ़ रखे हैं, ठीक है, उनको क्या करना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है साथ साथ में वीडियो की फ्लो। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो उनके लिए हम कंसेप्ट और क्वेश्चन साथ साथ में करा रहे हैं, और इसीलिए उनका रिवीजन भी हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो के फ्लो के साथ साथ क्वेश्चन करते जाएंगे, और इससे होगा क्या, इससे जब हम अपने जेईई मेंस के अंदर बैठेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो हमारी विद इन टाइम लिमिट, हमारी जो क्वेश्चन सोल्व करने की जो क्या है, क्वेश्चन सोल्व करने की जो हमारी एबिलिटी होगी वो क्या होती जाएगी, एनहांस होती चली जाएगी, ठीक है। हेलो आयुषी, हेलो रबक्स, हैप्पी रिपब्लिक डे, बचपन की याद आ गई सर, बिल्कुल भी ये बचपन की याद दिलाने के लिए ही था, क्योंकि अब तो आप कोचिंग के अंदर पढ़ रहे हो, बड़े हो गए हो, स्कूल के अंदर आप हो नहीं, तो कोचिंग के अंदर ये सब होता नहीं है, इसलिए हमने आपको बचपन की याद दिलाने के लिए आपके लिए ये सब किया, ठीक है गोलू बेटा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का, और मैं आपको एक चीज बता दूं कि आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो मोस्टली बेस्ड रहेगा इनडेफिनेट पे, ठीक है, डेफिनेट के उसके अंदर क्वेश्चंस कम है। अगला जो हमारा इंटीग्रल पार्ट टू जो रहेगा उसके अंदर हम इनडेफिनेट के क्वेश्चन ज्यादा रखेंगे, ठीक है। और जेईई मेंस के अंदर इनडेफिनेट
के थोड़े कम क्वेश्चन आते हैं, डेफिनेट के हमारे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो उस पर आप फोकस करेगा। लेकिन एक चीज और है, जब तक आप डेफिनेट अच्छे से नहीं, इनडेफिनेट आप अच्छे से नहीं करोगे, तो डेफिनेट के क्वेश्चन करने में परेशानी आने वाली है। ठीक है, अब ये क्यों होगा, क्योंकि ये हमारे पिछले पाप, सारा खेल पिछले पाप का है, तो हमें पाप पिछले साफ रखने हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा द इंटीग्रल, और ये दे रखा है हमको फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देख लेते हैं इस ऐसे क्वेश्चन को हमको कैसे सोल्व करना है। तो सबसे पहले आपको ये चीज देखना है कि ऐसे क्वेश्चन के अंदर हम फ्रैक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। अब सर फ्रैक्शन कैसे बनाना है, ठीक है ये हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन आई बोल देता हूं मैं इसको, वन अपॉन एक्स माइनस वन का क्यूब एक्स प्लस टू का पावर फाइव। ठीक है, तो हमको क्या करना है, कुछ फ्रैक्शन बना लेना। तो मतलब फ्रैक्शन कैसी बनेगी सर, x माइनस वन है और x प्लस टू है, तो या तो x माइनस वन अपॉन x प्लस टू के टाइप की बनेगी, या x प्लस टू और x माइनस वन के टाइप की बनेगी। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसको किसी को भी t मानना है, t मानना और उसका डेरिवेटिव लेके आना है नीचे, ठीक है, या ऊपर, उसका डेरिवेटिव हमको लेके आना है। डेरिवेटिव कैसे लेके आएंगे, अब इस चीज को देखते हैं। तो अगर मैं बोल देता हूं, मैंने इसको लिख दिया वन अपॉन डी एक्स अपॉन, ये क्या है x माइनस वन की पावर थ्री बाई फाइव, थ्री बाई फोर, और ये हो जाएगा x प्लस टू की पावर फाइव अपॉन फोर। ठीक है, ये हमारे पास में। अब हम क्या कर रहे हैं सर, एक काम करते हैं, x माइनस वन की पावर फाइव अपॉन फोर, और यहां पर कर देते हैं x, नीचे कर देते हैं x, मल्टीप्लाई कर दिया, और यहां पे ऊपर क्या कर देंगे, यहां पे नीचे हम क्या कर देंगे, x माइनस वन की पावर 5 अपॉन 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, और x माइनस वन पावर 5 अपॉन 4 से हमने यहां पे डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अब ये चीज देखो, ये बन गई x प्लस टू अपॉन x माइनस वन की पावर 5 अपॉन 4, और ये मिलके क्या बन गया, x माइनस वन का स्क्वायर, x माइनस वन का स्क्वायर। अब यहां पर देखो आप ध्यान से, अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो ये u अपॉन v है, तो v का स्क्वायर नीचे आएगा, v का स्क्वायर क्या होगा, x माइनस वन का स्क्वायर, तो एक हमको यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, अब हम इसका डेरिवेटिव करके देख लेते हैं, x प्लस टू अपॉन x माइनस वन, x प्लस टू मैं मान लेता हूँ इसको एक बार t, इसको अगर मैंने t माना तो dt मेरा कितना आ रहा है, dt आ रहा है नीचे वाले का स्क्वायर, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन वन, फिर नीचे वाला ऐसा का ऐसा, फिर माइनस का साइन आता है सबको पता है, फिर क्या आएगा, नीचे वाले का डेरिवेटिव ये आता है वन, और ऊपर वाला ऐसा का ऐसा। चलिए, तो ये मिल कितना रहा है, इंटू डी एक्स, तो ये आ जाएगा मेरा डी टी बराबर कितना आ रहा है, यहाँ देखो वन इंटू माइनस वन एक्स माइनस वन, और ये माइनस एक्स, और ये माइनस टू अपॉन में आ जाएगा एक्स माइनस वन का स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये एक्स से एक्स कट गया, तो डी टी मेरा कितना आ रहा है, डी टी आ रहा है मेरा माइनस थ्री dx अपॉन x माइनस वन का स्क्वायर। ठीक है, यहां से मैं dx अपॉन x माइनस वन के स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, माइनस dt अपॉन, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं। अब यहां पर देखो एक बार ध्यान से, यहां पर देखो ये क्या मिल रहा है मेरे को, ये मिल रहा है मेरे को इंटीग्रेशन i बराबर मेरे को मिल रहा है इंटीग्रेशन dx, ऊपर है नीचे क्या है, नीचे है मेरे पास में x प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वन का पावर फाइव अपॉन फोर, और ये क्या है, ये मिलके हो गया मेरा एक्स माइनस वन की पावर, ये थ्री बाई फोर और फाइव अपॉन फोर मिलके कितना हुआ, एट अपॉन फोर, मतलब स्क्वायर एक्स माइनस वन का। ठीक है, ये हमको मिल रहा है। अब हमने इसको t माना है, डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर हमारे t के टर्म में आ गया है, कितना आया वो हम यहाँ पे देख लिए हैं। ठीक है, ये आ रहा है मेरा माइनस डी टी अपॉन थ्री, तो अब यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं इसको, i की वैल्यू कितनी आ गई है, चेंज कर देंगे हम x को किससे, t से, हमारे पास पहले क्या था वेरिएबल x था, अब हम क्या करेंगे उसको t के अंदर लेके आ जाएंगे, तो डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन इसको हम किससे चेंज करेंगे, डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन के होल स्क्वायर को हम चेंज करेंगे माइनस डी टी अपॉन थ्री, तो इस माइनस वन अपॉन थ्री को मैं यहां पर बाहर लिख देता हूं। ठीक है, और अपॉन में कितना था मेरे पास में, अपॉन में था इसको हमने टी माना, एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वन, एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वन को हमने क्या माना था, टी, तो इसको टी रख देंगे यहां पर, तो टी की पावर फाइव अपॉन। अब ये बन गया हमारे पास में सिंपल सा इंटीग्रेशन, तो आई आ गया मेरे पास में माइनस वन अपॉन थ्री,
टी की पावर माइनस फाइव अपॉन फोर है, इसका देखो ये नीचे है फाइव अपॉन फोर, ऊपर जाके माइनस फाइव अपॉन फोर, तो इसका इंटीग्रेशन क्या जाएगा माइनस फाइव अपॉन फोर प्लस वन, फाइव अपॉन फोर प्लस वन अपॉन में कितना आ जाएगा माइनस फाइव अपॉन फोर प्लस वन, तो आई आ गया मेरे पास में माइनस वन अपॉन थ्री, ये क्या हो गया फोर इधर एलसीएम लेके गया तो माइनस वन अपॉन फोर बन जाएगा ये, ठीक है टोटल, ये टोटल बन गया माइनस वन अपॉन फोर, ऊपर जाने के बाद में कितना आ जाएगा माइनस फोर अपॉन, ये बना वन माइनस वन अपॉन फोर, ऊपर जाने के बाद में माइनस फोर अपॉन वन, और ये कितना हो गया टी की पावर वन अपॉन फाइव या माइनस वन अपॉन फोर माइनस वन अपॉन फोर, समझ गए इतना। तो यहां पर मेरा आई कितना आ गया, आई आ गया मेरा फोर अपॉन थ्री टी की पावर माइनस वन अपॉन फोर, तो मैं इसको बोल सकता हूं वन अपॉन टी की पावर वन अपॉन फोर। अब वन अपॉन टी क्या है, टी मेरा क्या था, टी मेरा था x प्लस टू अपॉन x माइनस वन, तो यहां से i मेरा आ जाएगा फोर अपॉन थ्री वन अपॉन टी, वन अपॉन टी का मतलब क्या हो गया x माइनस वन अपॉन x प्लस टू, x माइनस वन अपॉन x प्लस टू, और पावर में आ जाएगा वन अपॉन फोर। क्या कोई ऑप्शन यहां पर दिख रहा है हमको, कोई ऑप्शन दिख रहा है, क्या है आंसर फोर अपॉन थ्री एक्स माइनस वन फोर अपॉन थ्री, फोर अपॉन थ्री कहाँ कहाँ पर है पहले ये देख लेते हैं, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, फोर अपॉन थ्री एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू की पावर वन अपॉन फोर हमारा आंसर आ रहा है, जो कि प्लस सी हम लगाना भूल गए हैं कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो वो ऑप्शन मिल रहा है हमको बॉम्बे ऑप्शन, ठीक है, तो बॉम्बे ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा एकदम करेक्ट हो जाएगा। गुड इवनिंग करिश्मा, मैं एकदम अच्छा हूँ, आप बताओ आपकी तैयारी कैसे चल रही है जेईई मेंस की और आपका पेपर कब है, ठीक है पेपर हमारे स्टार्ट हो गए हैं जेईई मेंस के। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा और बहुत ही शानदार कंसेप्ट है ये, इसको सीखना तो मजा आ जाएगा, काफी लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, ये अगस्त 2021 के अंदर आया था, काफी लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं जब वो लिमिट चेंज कर रहे होते हैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाते हैं तब कंफ्यूज होते हैं, ठीक है वन अपॉन एन को डी एक्स मानते हैं आर अपॉन एन को एक्स मानते हैं, वो सब आपको यहाँ पर बताया जाएगा, ठीक है तो इसको करेंगे कैसे, देखिए वन अपॉन एन है हमारा, उसके बाद में क्या है समीशन आर बराबर जीरो से टू एन माइनस वन, और यह है हमारे पास में एन स्क्वायर। अब मैं इस एन स्क्वायर को क्या कर रहा हूं, ऊपर भी डिवाइड कर दे रहा हूं नीचे भी डिवाइड कर दे रहा हूं, फिर मिलेगा क्या हमारे को वन अपॉन वन प्लस फोर आर अपॉन एन का स्क्वायर इन टू, ये हमको मिल रहा है, ठीक है ये हमको मिल रहा है। अब हमें क्या करना होता है सर, आर अपॉन एन को हमको रिप्लेस करना होता है एक्स, ठीक है आर अपॉन एन को हमको एक्स से रिप्लेस करना होता है, तो यहाँ पर ये जो समीशन है ये आ जाएगा इंटीग्रेशन के साइन पे, मैं बोल देता हूँ आई लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, आई मेरा कितना आ जाएगा, अब इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, जो समीशन है वो मेरा आ जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है यहाँ पर जो लिमिट है ये यूज कैसे आएगी, आर एन टेंस टू इन्फिनिटी है तो आर बराबर मैंने जीरो रखा, आर बराबर मैंने जीरो रखा अपॉन है एन, और एन जा रहा है मेरा इन्फिनिटी को तो एक्स कितना आ जाएगा मेरे पास में जीरो, फिर उसके बाद में मेरा प्लस में आर कितना कहाँ तक जा रहा है टू एन माइनस वन से, तो टू एन माइनस वन अपॉन एन, और एन क्या है मेरा लिमिट एन टेंस टू है इन्फिनिटी, तो ये कितना आ जाएगा टू माइनस वन अपॉन एन और लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में, तो ये आ गई मेरे पास में लोअर लिमिट और ये आ गई मेरे पास में अपर लिमिट, ठीक है तो लोअर लिमिट मेरे पास में आ गई सर जीरो और अपर लिमिट आ गई मेरे पास में टू, और वन अपॉन एन को किससे रिप्लेस करते हैं डी एक्स से, आर अपॉन एन को किससे रिप्लेस करते हैं एक्स से, तो ये आ जाएगा मेरे पास में वन अपॉन वन प्लस फोर एक्स स्क्वायर, ठीक है ये सिंपल सा मेरा क्या बन गया है इंटीग्रेशन। अब इसको सोल्व करना क्या कोई बड़ी बात है, ढंग से देखो क्या कोनो बड़ी बात है इसको सोल्व करना, बिल्कुल मुझे कहीं पर भी नहीं लग रहा है कि बड़ी बात है, तो इसको सोल्व कैसे किया जाए आई मैं बता देता हूँ, जीरो से टू ये यहाँ पर हम टेन इनवर्स का फॉर्मूला बनाएंगे तो फोर ले लेते हैं कॉमन, फोर अगर मैंने कॉमन लिया तो ये क्या बन जाएगा, फोर अगर मैंने कॉमन लिया वन अपॉन फोर बन गया, ठीक है यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बच गया प्लस वन अपॉन फोर को मैं लिख देता हूँ वन अपॉन टू का, एक बार इसको ध्यान से आप देख लीजिए क्या मैंने बिल्कुल सही लिखा है, वन प्लस फोर एक्स स्क्वायर था हमको इंटीग्रेशन मालूम है वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, ठीक है इसका इंटीग्रेशन हमको मालूम है क्या आता है वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये हमको मिलता है,
यहां पर देखो हमको x का कोफिशियंट यहाँ पे 1 बनाना है, x स्क्वायर का कोफिशियंट हमको 1 बनाना है हमेशा, इस चीज का खास तौर से ख्याल रखा जाएगा, इस चीज का खास तौर से ख्याल रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी जरूरी है। एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट हमको हमेशा 1 रखना होगा। तो यहां पर हमने एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट देखा 1 है, तो यहां पर भी हमने बना लिया 4 को कॉमन लिया, मतलब यहां बाहर लिया 1 अपॉन 4 आ गया नीचे, यहां रहेगा 1 अपॉन 4 और ये रहेगा एक्स स्क्वायर, तो ये मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन 4 को लिख दिया 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब यहां पर देखो इसका इंटीग्रेशन करना है। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। आई बराबर आ गया मेरे पास 1 अपॉन 4 इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन हम जानते हैं क्या होता है, 1 अपॉन 4 tan इनवर्स x अपॉन a, x कितना है मेरे पास में x, a कितना है 1 अपॉन 2, ठीक है, और यहां पे कितना आ जाएगा 1 अपॉन a, 1 अपॉन a का मतलब 1 अपॉन 1 बाई 2, तो वो 2 ऊपर चला जाएगा और यहां पे डाल देंगे हम लिमिट कितनी 0 से लेके, तो i आ गया मेरे पास में 1 अपॉन 4 इंटू 2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ये 2 से कट जाएगा 2 टाइम्स, तो 1 अपॉन 2 2 ऊपर चला गया, तो tan इनवर्स 4x सॉरी 2x और ये आ जाएगा 0 से 2, तो यहां से आई आ गया मेरे पास में 1 अपॉन 2, लिमिट डाली अपर लिमिट डाली कितना आ गया tan इनवर्स 4 0 डाली माइनस 0 tan इनवर्स 0 0, तो ये आ गया मेरे पास में 1 अपॉन 2 tan इनवर्स, ठीक है, ये हमारे पास में आ जाएगा इसका सॉल्यूशन। तो आंसर कौन सा आ रहा है हमारे पास में, आंसर आ रहा है मेरा 1 अपॉन 2 tan इनवर्स 4, तो ये हो गया कलकत्ता ऑप्शन करेक्ट। चले आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अब क्या बोल रहा है, सेम उसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसमें आपके तोते हिल जाएंगे। क्या बोल रहा है ये, u1 बराबर 1 प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर 1 प्लस 2 स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये चलता जाएगा, तो यहां से देखो ये बढ़ता जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम r, ठीक है, तो इसको पहले लिखेंगे u1 बराबर क्या लिखेंगे, u1 को एक काम करते हैं अपन, ये आ गया मेरे पास में u1, निकालना है ये हमको निकालना है, तो एक काम करते हैं इसको बोल देते हैं l, लिमिट l बोल देते हैं, वो किसके बराबर है u1 माइनस 4 अपॉन एन स्क्वायर, तो मैं लॉग ले लेता हूँ लॉग l माइनस 4 अपॉन एन स्क्वायर और ये आ जाएगा लॉग un, ठीक है। अब ये u1 है हमारा, ये u1 है, u1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, u1 को देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो समीशन r बराबर 1 से, देखो 1 से जा रहा है ये, 1 से जा रहा है, तो r बराबर 1 से कहां तक जाएगा, r बराबर n तक जाएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस r स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर की पावर। अब पावर भी देखो क्या हो रही है, पावर यहाँ पर 1 थी, जब यहाँ पे 2 था तो पावर 2 थी, यहाँ पे पावर ये n है, तो यहाँ पर भी पावर क्या है n आ रही है, तो हम यहाँ पे बोल देंगे r। अब आप इसको खोल के देख सकते हैं, r बराबर 1 रखा क्या आया 1 प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर पावर 1, ठीक है, आ रहा है, ऐसे हमारा आता चला जाएगा, ठीक है, ये हमारा आता चला जाएगा। यार इसको सिग्मा नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि ये क्या है मल्टीप्लाई के अंदर है, मल्टीप्लाई के अंदर वाला साइन क्या होता है r बराबर 1 से लेके, ठीक है, तो हम यहाँ पे un की वैल्यू रख देंगे, तो log आ जाएगा मेरे पास में। अब देखो log की वैल्यू मैंने यहाँ पर रखी, ये un की वैल्यू ये है, तो रख देते हैं log l बराबर माइनस 4 अपॉन एन स्क्वायर, तो log क्या आ जाएगा मेरे पास में, अब un है log है, तो ये log के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन अगर log के अंदर log a b c, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ log a बराबर में मैं इसको क्या लिख सकता हूँ प्लस log b प्लस log c, क्या ऐसा लिख सकता हूँ, बिल्कुल हम ऐसा ही लिखने वाले हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में 1 प्लस r अपॉन n, ठीक है सॉरी 1 प्लस 1 अपॉन n n स्क्वायर है, ठीक है, उसके बाद में आ जाएगा log 1 प्लस log 1 प्लस कितना आ जाएगा 1 2 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर पावर में आ गया, ठीक है, याद बढ़ता जाएगा,
चलिए ये हमारे पास में बढ़ता चला जाएगा। अब मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, ये वन है, ये वन है, ये एन स्क्वायर है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, लॉग एल की वैल्यू जो है मेरे पास में वो आ रही है माइनस फोर अपॉन एन स्क्वायर। समीशन कितना आ जाएगा, समीशन आ जाएगा, अब ये देखो यहाँ पर ये पावर बढ़ती जा रही है तो इस पावर को आगे ले लेंगे तो ये आ जाएगा आर लॉग वन प्लस आर अपॉन एन स्क्वायर। आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर है तो ये आ गया आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसको मैंने समीशन में लिखा है, ये समीशन में नहीं था, इसको समीशन में क्यों लिखा है, क्योंकि लॉग हमारे पास में एबीसी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, मतलब यहाँ पर सम होता जा रहा है, पहले यहाँ पर सम नहीं हो रहा था, अब यहाँ पर सम होता जा रहा है तो मैंने इसको इस सीरीज में लिख दिया है। तो अब यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू क्या डालेंगे, इसकी वैल्यू डालेंगे आर बराबर वन से लेके आर बराबर, और लिमिट हमारे पास में कहां से कहां तक है, लिमिट है मेरे पास में एन टेंस टू इन्फिनिटी, डालना मैं भूल गया। चलिए तो लिमिट आ गई है मेरे पास में एन टेंस टू इन्फिनिटी, क्या इतनी बात समझ में आ गई है, यहां पर भी भूल गया, अब डाल दी है। अब देख लो इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से, ये चीज आप एक बार समझ लीजिए, ये चीज कैसे आई, समीशन हमने किया, लॉग ले लिया, लॉग लेने के बाद में उसको सम में चेंज कर दिया, सम में चेंज करने के बाद में उसका फॉर्मूला लिख दिया है। अब अपन को करना है इसको सोल्व, क्या है क्वेश्चन, लॉग एल बराबर माइनस फोर अपॉन एन स्क्वायर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, उसके बाद में क्या है समीशन आर, आर बराबर वन से लेके आर बराबर एन, तो ये हो गया आर लॉग वन प्लस आर स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई, अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमको क्या करना है आर अपॉन एन के फॉर्म के अंदर पूरी लेके आना है और एक वन अपॉन एन को साइड में रखना है। आर अपॉन एन को तो हम किससे चेंज कर देंगे, एक्स से रिप्लेस कर देंगे और वन अपॉन एन को डीएक्स में लेके आना। तो यहाँ पर हमारे पास में एन स्क्वायर दिख रहा है, अगर एन स्क्वायर हमको ये दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, एन स्क्वायर को अंदर भेजेंगे, आर अपॉन एन हमको मिल जाएगा और क्या मिल जाएगा, और वन बाई एन मिल जाएगा सर। तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, माइनस फोर को हम बाहर ले लेते हैं, ठीक है, माइनस फोर को हमने बाहर ले लिया, ये आ गया समीशन आर बराबर वन से लेके आर बराबर एन, और ये आ गया वन अपॉन एन इंटू आर अपॉन एन इंटू लॉग वन प्लस आर अपॉन एन का होल स्क्वायर, ये हमको मिल रहा है। अब हम सीधा इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले में चेंज कर देते हैं, माइनस फोर रहे बाहर, समीशन को हमने चेंज कर दिया इंटीग्रेशन के अंदर, आर बराबर वन पे, आर बराबर वन पे लिमिट डालनी है हमको एन टेंस टू इन्फिनिटी, टेंस टू इन्फिनिटी, तो क्या आ जाएगा वन अपॉन एन, और एन क्या है इन्फिनिटी, तो वन अपॉन इन्फिनिटी क्या आ जाएगा जीरो, तो यहाँ पे आ गया जीरो लोअर लिमिट। फिर है आर बराबर एन, तो आर बराबर मैंने एन रखा, एन से एन कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास में एन का कोई फैक्टर बचेगा ही नहीं, तो इन्फिनिटी कहाँ रखे, तो आ जाएगा हमारे पास में अपर लिमिट वन, तो ये आ गई मेरे पास में वन, वन अपॉन एन को हमने लिखा डीएक्स। सर आर अपॉन एन को क्या लिखे, आर अपॉन एन को तो हम एक्स लिखने वाले ही है, और ये बचेगा अंदर लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान से एक बार देख लीजिए, जितना आसान आपको लग रहा है उतना आसान ये क्वेश्चन है नहीं। तो वन प्लस एक्स स्क्वायर को हम क्या बोलेंगे, वन प्लस एक्स स्क्वायर को हम बोल देंगे टी, तो यहां से हम क्या बोलेंगे, इसका डिफरेंशिएशन क्या रहा है सर, टू एक्स डी एक्स बराबर डी टी, तो एक्स डी एक्स कितना आ गया मेरे पास में डी टी बाय, एक्स डी एक्स मेरा कितना आ गया डी टी बाई टू, और वन प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने क्या लिख दिया टी, तो यहां पर मैं एक्स डी एक्स को लिख देता हूँ लॉग एल आ गया मेरे पास में माइनस फोर, एक्स डी एक्स को मैंने लिखा डी टी बाई टू, तो टू नीचे आ गया डी टी यहाँ रह गया है, ठीक है डी टी बाई टू, क्योंकि टू कॉन्स्टेंट, वन अपॉन टू कॉन्स्टेंट है, तो इसको मैंने बाहर लेके आ गया। अब देखो अब यहाँ पर फिर से लिमिट चेंज होगी, फिर से लिमिट कैसे चेंज होगी, पहले यहाँ पर लोअर लिमिट जीरो थी, इसको मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूँ ताकि कोई भी किसी भी प्रकार की कन्फ्यूजन ना हो। पहले हमारे पास में वन प्लस एक्स स्क्वायर था, एक्स क्या था जीरो, तो अब मैं यहाँ पे जीरो रखूंगा, अगर मैं जीरो रखूंगा तो टी कितना आ जाएगा मेरे पास में वन, और अगर फिर मैं वन रखूंगा, अगर मैं यहाँ पे वन रखूंगा वन प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी, अगर एक्स क्या है वन है तो टी कितना आ जाएगा मेरे पास में, तो यहाँ पर फिर से लिमिट क्या हो गई चेंज हो गई वन से टू, और ये क्या बना एक्स डी एक्स क्या आ जाएगा डी टी बाई टू मैंने लिख दिया, और लॉग टी हमारे पास में बच गया है, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन log x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं क्या होता है, x log x, क्या यही होता है, एक बार ध्यान से देख लीजिए, x log x माइनस वन, log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x log x माइनस वन, नहीं माइनस x आएगा ना,
x log x, इसका डिफरेंशिएशन करके देख लो जल्दी से, x log x को ऐसा कैसा रहेगा, log x का 1 upon x आ जाएगा 1, और उसका माइनस 1 और x को डिफरेंशिएशन log x, हाँ तो हमारे पास में log x का इंटीग्रेशन आ गया है x log x माइनस x, तो अब हम यहाँ पे सिंपल सा इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, log l की वैल्यू मेरे पास में आ गई है माइनस 4 अपॉन 2 कितना हो गया माइनस 2, और log t, log t का इंटीग्रेशन हम जानते हैं कितना होता है t log t माइनस t, और लिमिट डाल देंगे हम 1 से 2, तो log l आ गया मेरे पास में कितना माइनस 2 बाहर आ गया, 2 मैंने रखा 2 log 2 माइनस 2, और ये 1 रखने पे t log 1 log 1 कितना हो जाएगा, log 1 की वैल्यू होती है 0, तो ये आ जाएगा माइनस 0 माइनस 1, ठीक है, तो log l आ गया मेरे पास में माइनस 2, 2 log 2, 2 के पास ऊपर लेके चले जाएंगे आ जाएगा log 4, ठीक है, ये आ गया मेरे पास में log 4, और ये है माइनस 2, और ये माइनस माइनस कितना हो गया प्लस 1, तो माइनस 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा माइनस 1, तो log l आ गया मेरे पास में, देखो ढंग से इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आंसर देखते हैं पहले, आंसर में क्या डिमांड कर रहा है, आंसर में क्या ई है, बिल्कुल ई का टर्म है, तो हम लेके आ जाएंगे, ये आ गया मेरे पास में माइनस टू को हम लेके जाएंगे इधर, तो लॉग माइनस टू लॉग फोर, और ये आ गया माइनस माइनस प्लस का, तो अब मेरे पास में माइनस टू को मैं अंदर लेके जाता हूँ, लॉग एल कितना आ जाएगा, लॉग एल आ जाएगा माइनस टू को मैं अंदर लेके गया, तो लॉग फोर की पावर आ गई माइनस टू, और प्लस आ गया टू, तो इसको मैं बोल सकता हूँ लॉग एल मेरे पास में कितना आया, ये लॉग ही लॉग आ रहे हैं, बहुत सारे लॉग आ जाएंगे अगर आपने तैयारी अच्छे से नहीं की है तो, ठीक है, तो ये आ जाएगा लॉग 1/16 प्लस 2, तो अब हम क्या करेंगे प्लस 2 है ये, तो एल आ जाएगा मेरे पास में, एल आ जाएगा कितना, एल यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एल आ जाएगा मेरे पास में ई की पावर लॉग, और ये बेस भी कितना है ई है, तो 1/16 प्लस 2, ठीक है, तो एल कितना आ गया मेरे पास में, ये 16 है भैया, एल बराबर आ गया, ये आ गया मेरे पास में ई लॉग ई प्लस, अब देखो ये पावर क्या है प्लस में, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई के अंदर ई का स्क्वायर, ठीक है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एल आ गया मेरे पास में 1/16 ई स्क्वायर, ये आ गया ई स्क्वायर 16, ई स्क्वायर 16 क्या ये आंसर में है, ये कौन सा ऑप्शन है, ई स्क्वायर 16 डेली ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और लेंथी था थोड़ा, जेई मेंस के अंदर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, लेकिन हम कर सकते हैं, कर सकते हैं, और ये आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये हमेशा इंटीग्रेशन पढ़ाते हैं वक्त, हमेशा थ्योरी के अंदर पढ़ाया जाता है ऐसे क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन का मतलब क्या है सर, ऐसा क्वेश्चन का मतलब ये है कि कहीं पर भी आपको साइन एक्स माइनस कोस एक्स या कोस एक्स माइनस साइन एक्स ऐसा कहीं कुछ दिखे, एक के पास माइनस होना चाहिए बस, एक के पास माइनस एक के पास में प्लस, तो हमको क्या करना है, नीचे क्या बनाना है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, या अगर हमारे पास में ऐसा है तो ऐसा बना दो, ऐसा है तो ऐसा हमको बनाना है, ठीक है, इन दोनों में से एक ले लेते हैं, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन, क्योंकि देखो यहाँ पे साइन एक्स है उसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा कोस एक्स, और कोस एक्स का आ जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है, तो किसका आ गया ये इसका, और इसका क्या, इसका भी आ सकता है, इसको लिख देंगे हम माइनस डी एक्स, क्योंकि ये क्या है इसका माइनस है ना, ढंग से देखो आप, सिर्फ नेगेटिव साइन का खेल रहेगा, तो हमारे पास में थ्योरी पढ़ते वक्त हम पढ़ते हैं इंटीग्रेशन की, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा देखना, इसको मैं कैसे लिखता हूँ, कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू में है डी एक्स, चलिए नीचे क्या आ जाएगा सर, सर नीचे आ जाएगा 8 है साइन 2x है, साइन 2x का मतलब क्या सर, 2 साइन x cos x, अब मैं यहाँ पर एक जोड़ देता हूँ और एक में घटा देता हूँ, इस वन को क्या लिख सकता हूँ मैं, इस वन को लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ऐसा लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और ये क्या बन गया पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या बन गया है साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर, तो देखो वन जोड़ा मैंने और वन क्या किया माइनस किया, और यहाँ पर साइन है ऑलरेडी माइनस का, तो ये आ जाएगा मेरे पास में माइनस वन जोड़ा और वन क्या किया घटाना है, तो उसको मैं घटा दूंगा वहां पर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और वन क्या करना है माइनस करना है इसमें से, ठीक है, चलिए कर दिया,
ये आ गया मेरे पास में, यहाँ से लिखा है सीधा, या सीधा नहीं लिखा मैंने, कहीं यहाँ बोलोगे सर सीधा आंसर समझा दिया है, पूरा समझाया है यहाँ पर कि साइन टू साइन टू एक्स को कैसे हम इस परफेक्ट स्क्वायर के अंदर बना के साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लेके आते हैं, जिसका डेरिवेशन हमको ऊपर दिया हुआ मिल जाएगा। अब क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। चलो इसका इंटीग्रेशन हम कर देते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अब देखो पहले इसको लिख देते हैं, सिंपल कर देते हैं थोड़ा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स अपॉन 8 है, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो ये कितना आ जाएगा प्लस का 9 माइनस, ये कितना आ गया है सर, ये आ गया है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को क्या मान लो, सीधा टी मानना है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हमको क्या मानना है, टी, तो टी मान लेते हैं। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को अगर मैं टी मानता हूं, अगर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को मैं क्या बोल देता हूं, टी बोलता हूं, तो यहां से मेरे पास में साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स कितना आ रहा है, डी टी के बराबर, ठीक है। तो ये डी टी, अब ये देखो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स किसके बराबर आ रहा है, डी टी के, तो मैं यहाँ पे सीधा लिख दूंगा इंटीग्रेशन। अब क्या बच गया मेरे पास में, डी टी अपॉन कितना बच गया 9 माइनस टी स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ सर, इसको लिख सकते हैं डी टी अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर। तो अपन जानते हैं 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है इंटीग्रेशन, डी एक्स बोल देते हैं इसको, ये होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, होता है कि नहीं होता। तो यहां पर मेरा ए कितना है 3, एक्स कितना है टी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन इनवर्स टी अपॉन ए, ए मतलब ए कितना है मेरे पास में, ए है 3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स, टी कितना माना था हमने, हमने माना था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन टी प्लस सी, प्लस सी लगाना भी जरूरी है, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये हमने लगा दिया है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इंटीग्रेशन मैंने कर दिया है, क्वेश्चन बोल रहा है ये इस रूप में आएगा, क्या इस रूप में आ रहा है, क्या इस रूप में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है इसका कोफिशिएंट 1 है, और कोफिशिएंट 1 है इसका साइन इनवर्स का, और उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं बी, बी कितना है 3 आ रहा है हमारा, तो a बराबर 1 आ गया, b बराबर 3 आ गया, तो ऑर्डर पेयर हमारा a कोमा b बोला है, तो a कोमा b, a कोमा 1 कोमा 3, कलकत्ता हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन एक बार आपको करना है, ट्राई करो एक बार, ये देख के इतना कठिन लग रहा है आपको, अभी देखना जब हम सोल्व करेंगे कितना आसान हो जाएगा। चलिए सोल्व करिए एक बार, एक मिनट का आपके पास में समय है, सोच लीजिए कैसे सोल्व करना, आंसर आपको दिख जाएगा अगर आपने अच्छे से सोल्व किया है तो। चलिए एक मिनट का समय हुआ समाप्त, और जो क्वेश्चन आपको बोला जाए ना आपको करना है वो करना ही है, ठीक है। चलिए देखते हैं, सॉरी
e की पावर log 2x बेस है e, तो अब यहां पर हम देखते हैं, इसको मैं लिखता हूं e की पावर log e और ये आ जाएगा 2x का क्यूब, 3 को मैंने पावर में भेज दिया है। फिर आ गया प्लस 5 e की पावर log e और ये आ गया 2x की पावर, नीचे कितना आ गया है, नीचे आ गया मेरा। फिर वापस हम क्या करेंगे, e की पावर log e और ये आ जाएगा x की पावर 4, फिर क्या बचा, प्लस का 5 बचा सर, प्लस 5 e की पावर, प्लस 5 e की पावर log e x क्यूब, फिर आ गया माइनस 7 e की पावर log e और ये आ गया x स्क्वायर, ठीक है। तो अब e की पावर log e क्या होता है, हमें पता है 1 हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे e की पावर log e 1 हो गया, 2x क्यूब हमारे पास में बचा, फिर क्या बचा, 5 e की पावर log e था, तो ये बचा 2x का स्क्वायर, अपॉन में कितना आएगा, अपॉन में आएगा मेरे पास में x की पावर 4 प्लस 5 x क्यूब और ये कितना आएगा माइनस 7 e की पावर log e था, ये कितना देगा x स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे को मिल रहा है, तो अब चलते हैं अगले स्लाइड पर, देख लेते हैं क्या मिल रहा है, 2x क्यूब प्लस 5 के बाद में कितना था, सॉरी 5 2x का स्क्वायर, 5 2x का स्क्वायर अपॉन में आया था x की पावर 4, x की पावर 4 प्लस 5x की पावर क्यूब, 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर, 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर। क्या सिर्फ यहीं पे माइनस है, एक बार देख लेते हैं, क्या यहीं पर सिर्फ माइनस है क्या, हाँ यहीं पर है। चलिए अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर इस प्रकार का फंक्शन अगर अपने को दिया गया, उसको इंटीग्रेशन करने के लिए बोल गया है, तो हम क्या करेंगे, कुछ ऊपर टर्म बनाएंगे जो dt के टर्म हो, dx के टर्म हो, और ऊपर नीचे यहाँ पर मतलब इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, या इसको ऊपर हमको ऐसा बनाना है, नीचे अगर मान लेते हैं fx है हमारे पास में, ऊपर ऐसा बनाना है a fx प्लस b f'x, इस रूप में हमको ऊपर वाला फंक्शन देखना है। तो नीचे वाला फंक्शन fx हम कैसा बनाएं कि हमारे को ऊपर या तो a fx मिल जाए, या f'x b मिल जाए, या दोनों का सम मिल जाए। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पर देखेंगे, तो देखो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, x की पावर 4 है, 5x क्यूब है, और ये क्या है माइनस 7x स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, ऊपर वाले से x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो x स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो कितना आएगा मेरे पास में, x स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है मेरे पास में, 2x कॉमन आ रहा है, यहां से कितना कॉमन आ रहा है 2x स्क्वायर, मतलब कितना हो गया 4x स्क्वायर। ऊपर कितना बचा सर, ऊपर बचा मेरे पास में 2x प्लस 5 इंटू, यहां से मैंने ले लिया 2x स्क्वायर कॉमन, यहां बचा 2x और यहां से 2x स्क्वायर कॉमन ले लिया, सिर्फ बचा मेरे पास में 5 इंटू dx अपॉन, यहां पर देखो यहां पर मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, x स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं, कितना है x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 इंटू dx, यहां से x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, 4 को हम ले लेते हैं बाहर, बाहर ले लिया, बचा क्या ऊपर 2x प्लस 5 इंटू dx, नीचे है मेरे पास में x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7। यार अब आपको करने की जरूरत नहीं है सर, आप बोल रहे हो बच्चे मेरे से कि सर अब आपको करने की जरूरत नहीं है, ये अगर मैं t बोलता हूं इसको तो ये मेरा dx आ रहा है, अगर मैं इसको t बोलता हूं तो ये मेरा dt मिल रहा है, मतलब क्या हुआ सर, हमने ऊपर f'x बना दिया है, हमने ऊपर f'x बना दिया है, क्या इतनी बात आपको समझ में आई, नहीं आई तो यहां पर देखो t की वैल्यू मैं बोल रहा हूं x स्क्वायर माइनस प्लस 5x माइनस 7 मान ली है, तो dt मेरा आ रहा है 2x प्लस 5 dx, ठीक है, ये मेरा dt मिल रहा है, तो 2x प्लस 5 इंटू dx कितना आ गया मेरा dt। चलिए नीचे क्या बचा मेरे पास में t, और बार क्या है 4, और उसका इंटीग्रेशन करना, तो ये आ गया 4 log mod t, mod लगाना जरूरी है, क्यों जरूरी है, क्योंकि हमेशा log के अंदर क्या होगी पॉजिटिव वैल्यू, तो 4, अब t की जगह हम क्या रख देंगे, t जिसको हमने माना था क्या था x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 प्लस c, क्या कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको, 4 log x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, क्या कोई ऑप्शन दिख रहा है 4 log x स्क्वायर
प्लस 5x माइनस 7 प्लस सी, बबीता आंटी हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। समझ गए इतना, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमको पूछा है कि अब देखो ये उसी प्रकार का क्वेश्चन आ गया जो हमने पहला ही क्वेश्चन किया था। अब पहला क्वेश्चन किया था उसी प्रकार से इस रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो मैं चाहता हूं ये क्वेश्चन आप करो अभी, एक मिनट का आपके पास में समय है, एक मिनट का आपके पास में समय है, जल्दी इस क्वेश्चन को करिए और क्या अप्रोच लगनी है आपको मैंने बता दी है, इसलिए क्वेश्चन जल्दी बैठ के कीजिए। सॉरी बच्चों, माफी चाहेंगे, थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था जिसकी वजह से हमारा पैनल बंद हो गया, तो कोई बात नहीं, हम फिर से आ गए हैं यहाँ पे लौट के। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम देख रहे थे, जैसा क्वेश्चन हमने फर्स्ट देखा था उसी टाइप का ही क्वेश्चन था, मैंने आपको समय दिया था एक मिनट लेकिन यहाँ पर आपको मिल गई थी 10 मिनट से भी ज्यादा, तो कोई बात नहीं, मैं उम्मीद करता हूँ आपने क्वेश्चन सोल्व किया होगा। तो देख लेते हैं dx अपॉन, चलिए सर पेन का कलर दूसरा ले लेते हैं, dx अपॉन हमारे पास में है x प्लस 4 पावर में है 8 अपॉन 7 और ये है x माइनस 3 6 अपॉन 7। तो मैंने आपको बोला है ऐसा अगर क्वेश्चन आए तो हमको क्या करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो मैं क्या कर देता हूँ x प्लस 4 और नीचे क्या है x माइनस 3, तो मैं काम करता हूँ x माइनस 3 अपॉन x प्लस 4 के फॉर्म में इसको लेके आता हूँ और नीचे बनाना है हमको 1 अपॉन x प्लस 4 का होल स्क्वायर, हमको नीचे चाहिए x प्लस 4 का होल स्क्वायर। क्यों चाहिए 1 अपॉन x प्लस 4 का होल स्क्वायर क्यों चाहिए, क्योंकि हमारे पास में ये अगर हम इसको t मानते हैं, अगर मैं इसको t मानता हूँ तो डिफरेंशिएशन करते समय ये u अपॉन v की फॉर्म है, तो u अपॉन v का डिफरेंशिएशन क्या होता है u डैश इनटू v माइनस v डैश इनटू u अपॉन v स्क्वायर, तो v क्या है हमारे पास में x प्लस 4, ये चीज को हमको नजरअंदाज नहीं करना है, तो हम क्या कर रहे हैं x प्लस 4 पावर में मेरे पास में 6 अपॉन 7 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं और नीचे डिवाइड कर देता हूं। अब ऐसा क्यों किया सर, यहां पर देखो x प्लस 4 पावर 6 अपॉन 7 और ये है पावर 8 अपॉन 7, मिलकर क्या हुआ 8 और 6 कितना हुआ 14, 14 अपॉन 7 कितना आ जाएगा हमारे पास में 2 मिल जाएगा हमको, तो ये कितना आ जाएगा देखो dx अपॉन ये मिल गया मेरे को x प्लस 4 का स्क्वायर इंटू x माइनस 3, x माइनस 3 की पावर 6 अपॉन 7 है और यह है x प्लस 4 की पावर 6 अपॉन 7, तो यहां पर पावर क्या है सेम, तो क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई, तो x माइनस x प्लस 4 अपॉन 6 अपॉन पावर 6 अपॉन 7 ये हमको मिल जाएगा। तो अब इसको t मान लेते हैं, अब यहां पर साधारण सी बात है हमको क्या मानना है, इसको t मान लेना है, t किसको मान रहे हैं, t मान रहे हैं सर हम x माइनस 3 अपॉन x प्लस 4 को, तो यहां से मैं dt क्या निकाल सकता हूं, निकाल सकता हूं x प्लस 4 का स्क्वायर आ जाएगा, पहले वाले का डिफरेंशिएशन मतलब 1, नीचे वाले ऐसा का ऐसा माइनस, फिर क्या हो जाएगा x प्लस 4 का 1 और ये आ जाएगा x माइनस 3, तो ये मेरे को मिलेगा dt कितना मिलेगा x से x कट जाएगा 4 है और ये माइनस माइनस प्लस 3 7 हो जाएगा, तो 7 अपॉन ये इंटू में आ जाएगा dx 7 अपॉन x प्लस 4 का स्क्वायर इंटू dx ये हमको मिल जाएगा। दिख रहा है आपको सबसे सबको दिख रहा है एकदम क्लीन, dt बराबर आ गया 7 अपॉन x प्लस 4 का स्क्वायर इंटू dx हमको मिल गया है। तो अब यह क्या करने वाले हैं, यहां पर देखो यहां से मैं बोल सकता हूं dx अपॉन x प्लस 4 का स्क्वायर हमको क्या मिल रहा है, ये 7 इधर आ जाएगा, क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं सिंपल सी बात, dx अपॉन x प्लस 4 का स्क्वायर कितना मिल रहा है, यहां से निकाल रहा हूं मैं, यहां से ये मिल रहा है मेरे को सर dt अपॉन 7। चलिए तो ये तो हो गया मेरा t और ये dx अपॉन x प्लस 4 का होल स्क्वायर क्या आ गया dt अपॉन 7, तो ये सारा मैंने क्या कर दिया t के टर्म में लेके आ गया हूं। तो कर लेते हैं इसको, देखिए dt अपॉन 3 3 आ गया बाहर, ठीक है इंटीग्रेशन हम इसका कर रहे हैं, नीचे देखो अब नीचे हमको क्या मिल रहा है x सॉरी dt अपॉन 3 क्या मिल रहा है dx अपॉन x प्लस 4 का होल स्क्वायर, वो हमको मिल गया dt बाई 3 और नीचे क्या बना t की पावर 6 अपॉन 7,
सिक्स अपॉन सेवन ये ना, इसको क्या माना था मैंने टी, तो टी की पावर सिक्स अपॉन सेवन मेरे को मिल रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा टी की पावर सिक्स अपॉन सेवन। अब इसका इंटीग्रेशन करना बिल्कुल आसान है, टी की पावर माइनस सिक्स अपॉन सेवन लिख देते हैं इसको इंटू डी टी, इंटीग्रेट कर देते हैं, वन अपॉन थ्री कितना आ जाएगा, टी की पावर माइनस सिक्स अपॉन सेवन प्लस वन अपॉन माइनस सिक्स अपॉन सेवन प्लस वन, तो ये आ गया मेरे पास में, ये कितना हुआ वन अपॉन सेवन, वन अपॉन सेवन ऊपर जाएगा कितना आ जाएगा सेवन अपॉन थ्री, और ये आ गया टी की पावर, टी की पावर वन अपॉन सेवन, टी की पावर वन अपॉन सेवन। तो टी क्या माना था हमने, सेवन अपॉन थ्री एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस फोर हमने टी माना था, वो रख दिया और वन अपॉन सेवन पावर में आ गई। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन राइट दिख रहा है, सेवन अपॉन थ्री, एक सेकेंड कहीं पर कोई मिस्टेक हुई है, डी टी बाई सेवन, डी टी मेरा कितना आया, डी एक्स अपॉन एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर आया मेरे पास में, डी एक्स अपॉन एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर आया डी टी बाई सेवन। मैंने क्या रखा यहाँ पर, मैंने यहाँ पर रखा, ये अगले क्वेश्चन की तरफ चले गए हम, वन अपॉन थ्री रख दिया मैंने, ये आएगा सेवन, डी टी बाई सेवन रखना था ना, ये आएगा डी टी बाई सेवन, यह आएगा डी टी बाई सेवन, तो वन अपॉन सेवन, ठीक है, ये वन अपॉन सेवन आया तो नीचे आया हमारे पास में सेवन, और सेवन से सेवन कट जाएगा, तो सेवन से सेवन कट के कितना आया, सेवन से सेवन कट के आ गया वन, टी की वैल्यू हमने रख दी एक्स माइनस थ्री और एक्स प्लस फोर की पावर वन बाई सेवन, एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस फोर की पावर वन बाई सेवन प्लस सी, प्लस सी हमने लगाना भूल गए, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ऐसा सवाल हमने क्वेश्चन नंबर वन किया है और क्वेश्चन नंबर अब किया है ये सिक्स, ठीक है। इसके अंदर हमको करना क्या होता है, फ्रैक्शन के अंदर बनाया, ठीक है, नीचे क्या बनाया उसका डेरीवेटिव, डेरीवेटिव बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब डेरीवेटिव कैसे बनाएंगे, जो फ्रैक्शन आ रही है हमारी नीचे, जैसे मान लो ए अपॉन बी है, ए फंक्शन एक्स का बी फंक्शन एक्स का, ठीक है, तो हम a अपॉन b का अगर हम डेरिवेटिव कर रहे हैं तो हमारे पास में पता है u अपॉन v का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, u डैश इनटू v माइनस v डैश इनटू u अपॉन v स्क्वायर, तो v स्क्वायर जो टर्म बन रहा है वो हमको नीचे बनाना है ताकि हमको डिफरेंशिएशन मिल पाए, ठीक है, उसका डेरिवेटिव मिल पाए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन हमको बोल रहा है d थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा tan 2 थीटा प्लस sec 2 थीटा बराबर लैम्डा tan थीटा प्लस 2 log e f थीटा प्लस c, इसका हमको क्या करना है, सिंपल हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, आपके पास है मात्र एक मिनट का समय, हर क्वेश्चन के बीच आपको समय दिया जा रहा है ताकि आप साथ साथ में वीडियो के सॉल्व करते जाएं। मैं आपको हिंट यहां पर देना चाहता हूं, आप इसको cos स्क्वायर थीटा को ऊपर लेके जाइए sec, और tan 2 थीटा और sec 2 थीटा को चेंज करिए tan थीटा के फॉर्म में। यहां पर डबल एंगल दिया हुआ है tan 2 थीटा और sec 2 थीटा, आप इसको चेंज करिए किसमें, सिंगल एंगल, वो भी tan के अंदर, तो हमको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए मैं ही कर लेता हूं शुरुआत, देखते हैं, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर थीटा को लेकर ऊपर, ये आ गया sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा हमारे पास में है, वन अपॉन cos स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा हो गया है, यहाँ पर क्या बचा tan 2 थीटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टू tan थीटा अपॉन वन माइनस sec स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, sec 2 थीटा, ध्यान से देखना sec 2 थीटा, हमको पता है cos 2 थीटा क्या होता है, कितना होता है वन माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, तो sec 2 थीटा कितना हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, तो हम यहाँ लिख देंगे कितना, कितना आ जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन आ जाएगा वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसका एलसीएम लिया हमने वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, यहाँ पर ये बचा वन प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, और वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा को हम ऊपर लेके चले जाएंगे, तो आई आ गया मेरे पास में कितना, ध्यान से देखना sec स्क्वायर थीटा जादू होने वाला है, ध्यान से देखना वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ से कॉमन लेके हम कहाँ भेज दे रहे हैं, ऊपर भेज दे रहे हैं, तो क्या आ जाएगा वन माइनस टेन थीटा, उसको मैं क्या लिख दे रहा हूँ, इसको वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले को खोल दिया, ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है, इंटू में आ गया डी थीटा अपॉन कितना आ गया मेरे पास में टू टेन थीटा प्लस वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ टेन थीटा प्लस वन का
होल स्क्वायर, क्या ऐसा लिख सकता हूं? अब क्या करना है, स्क्वायर से एक वन प्लस टेन थीटा से एक वन प्लस टेन थीटा कट गया, बचा क्या मेरे पास में, आई बचा मेरे पास में सेक स्क्वायर थीटा इंटू वन माइनस टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन थीटा इंटू आ गया डी थीटा, ये हमारे पास में बच रहा है। ठीक है, क्या आपको दिख रहा है ये सब? बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। तो अब क्या करेंगे हम सर, अब करते हैं टेन थीटा को टी मान लेते हैं, टेन थीटा को टी मान लेते हैं। तो टेन थीटा को अगर मैं टी मानता हूं तो हमारे पास में डी टी बाई डी थीटा कितना आएगा, ये आएगा सेक स्क्वायर थीटा, और इसको मैं लिख सकता हूँ डी टी क्या आ जाएगा मेरा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, क्या लिख सकता हूँ, तो ये हमको मिल जाएगा डी टी क्या मिल जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ये आ गया मेरे पास में कितना डी टी, और उसके बाद में वन माइनस टेन थीटा को माना था मैंने टी, और टेन वन नीचे आ जाएगा वन प्लस टी। ठीक है, तो यह मैं बोल दूंगा आई कितना आ जाएगा मेरे पास में इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा कितना आया डी टी, वन माइनस टेन थीटा और टेन थीटा को माना था मैंने टी ऑन वन प्लस टेन थीटा, मतलब इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो मेरे पास में आई मिल रहा है वन, अब मैं इसको देखना क्या लिख रहा हूं, इसको मैं क्या लिख रहा हूं, फिर मैंने बताया अगर हमारे पास में इस प्रकार की कोई भी चीज मिले तो हमको लिखना है फंक्शन ऑफ टी, इसको ऊपर वाले न्यूमरेटर को क्या बनाना है एफ टी ए इंटू एफ टी प्लस बी इंटू एफ डैश टी, इस फॉर्म में बना देना है जहां पर ए जीरो आ सकता है बी भी जीरो आ सकता है। ठीक है, तो इस फॉर्म में हम बना सकते हैं, लेकिन अगर ना बने तो क्या करें देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या एफ टी की वैल्यू वन आ सकती है, कुछ भी आ सकता है, तो देख लेते हैं हम, यहाँ पर वन माइनस टी है तो इसको सिंपल कर देते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस टी के अंदर मैंने वन को जोड़ा और वन को माइनस किया, तो अब हमारे पास में ये जो है ना माइनस टी और माइनस वन, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस कॉमन लेके टी प्लस वन, और टी प्लस वन ही नीचे है, तो एफ टी हमारा बन रहा है और कॉन्स्टेंट हमारे पास में बचेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे किस फॉर्म में, इसको मैं लिख दूंगा टू माइनस टी प्लस वन और अपॉन में आ जाएगा वन प्लस टी इंटीग्रेशन डी टी, आई आ गया मेरे पास में। देखो इसको मैंने क्या लिखा है, यहां पर मैंने एफ टी बना दिया है, ये एफ टी था और यहां पर मैंने एफ टी बना दिया और यहां पर आ गया कॉन्स्टेंट। ठीक है, चलिए तो ये आ जाएगा मेरे पास में, इसको मैं कर सकता हूँ टू अपॉन वन प्लस टी और माइनस वन, इसका हमको क्या करना है इंटीग्रेशन करना है, तो ये आ जाएगा आई की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में टू लॉग वन प्लस टी, ये वन प्लस टी किस में आएगा मोड के अंदर आएगा, और माइनस टी और प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इस फॉर्म में आ रहा है। टी की वैल्यू हमारे पास में, टी की वैल्यू क्या मानी थी हमने टेन थीटा, तो आई आ गया मेरे पास में, आई आ रहा है, पहले एक बार देख लेते हैं आंसर में बोला गया टू बाहर ही है। ठीक है, टू बाहर ही है, तो हम लिख देंगे इसको टू लॉग, ये आ गया मेरे पास में मोड वन प्लस टी, क्या माना था टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है सर, फिर माइनस टी को मैं क्या लिख सकता हूँ टेन थीटा और प्लस सी, ये हमको मिल रहा है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि लेमडा टेन थीटा, इस फॉर्म में आंसर आ रहा है लेमडा टेन थीटा, तो यहाँ पर टेन थीटा का कोफिशियंट क्या है माइनस वन, तो लेमडा की वैल्यू आ गई मेरे पास में माइनस वन, और उसके बाद में उसने बोला है टू लॉग एफ थीटा, तो एफ थीटा पूछा उसने, एफ थीटा कितना आ गया मेरे पास में, एफ थीटा आ जाएगा मेरे पास में कितना वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा हमारा क्या आ गया एफ थीटा आ गया है। टेन थीटा क्या माना, ये टी की वैल्यू क्या रखी थी, टी की वैल्यू मेरे पास में थी टेन थीटा, तो ये आएगा मेरे पास में सिर्फ टेन थीटा। ठीक है, टी की वैल्यू टेन थीटा ही थी ना, तो ये आ गया मेरे पास में टेन थीटा, तो ये आ गया मेरे पास में एफ थीटा की वैल्यू क्या आ गई, एफ थीटा आ गया मेरा वन प्लस टेन थीटा, ये हमको एफ थीटा मिल रहा है। तो कोई ऑप्शन दिख रहा है ऐसा, माइनस वन और वन प्लस टेन थीटा, माइनस वन और वन प्लस टेन थीटा, बबीता भाभी हमारा क्या हो गया आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है, इफ इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ पर आप देखोगे सारे आपको इनडेफिनेट के, ज्यादातर इनडेफिनेट के क्वेश्चन मिल रहे हैं। ठीक है, तो इनडेफिनेट के पहले इसलिए लिए गए ताकि इनडेफिनेट आप सीखो और वो डेफिनेट में भी काम आए, हालांकि इनडेफिनेट के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं जेई मेंस के अंदर, लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं पहले इसको सीखेंगे उसके बाद में क्या चलेंगे डेफिनेट पर चलेंगे। तो यहाँ पर देखो इसको क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा ऊपर है नीचे क्या है फाइव प्लस सेवन साइन थीटा माइनस टू कॉस स्क्वायर
थीटा ये हमको दिया हुआ है ठीक है इनटू डी थीटा। अब हमको नीचे हमारे पास में साइन थीटा तो है यहां पर, ये कॉस स्क्वायर थीटा है और ऊपर कॉस थीटा है, तो क्या मैं अगर साइन थीटा को क्या बोल देता हूं टी, अगर मानता हूं साइन थीटा को, तो मेरा डी टी क्या मिल जाएगा, डी टी मिल जाएगा साइन थीटा इंटू सॉरी कॉस थीटा इंटू डी थीटा, कॉस थीटा इंटू डी थीटा ये मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं इस पूरे को साइन के अंदर लेके आते हैं, तो लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख देंगे वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ऊपर आ गया कॉस थीटा डी थीटा। फिर हम क्या कर रहे हैं नीचे वाले के अंदर ऊपर वाला हमको डेरिवेटिव मिल रहा है फाइव प्लस साइन थीटा माइनस टू इंटू वन माइनस साइन स्क्वायर ठीक है, ये आ गया मेरा इंटीग्रेशन का साइन। अब मैं क्या बोल सकता हूं इसको कॉस थीटा डी थीटा अपॉन ये देखो टू है माइनस का और ये है माइनस का, तो ये आ गया टू साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पर देखो ये है सेवन साइन थीटा प्लस का सेवन साइन थीटा, ये माइनस टू है ये प्लस का फाइव है, ये आ जाएगा मेरे पास में प्लस का थ्री। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, अब पहले इसका फैक्टर कर लेते हैं अपन, अगर इसका फैक्टर कर लेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। इसके अगर मैंने फैक्टर किया तो ये आएगा, एक काम करते हैं साइन थीटा को टी मान लेते हैं एक बार, साइन थीटा को अगर मैं टी मानता हूं तो ये कितना आ जाएगा मेरा कॉस थीटा इंटू डी थीटा, कितना हो गया डी टी, इसका डिफरेंशिएशन, तो कॉस थीटा इंटू डी थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ डी टी, तो यहां पर मैंने लिख दिया है डी टी ऊपर, नीचे क्या बचा साइन थीटा को लिखना है मैंने लिखना है टी, तो टू टी स्क्वायर, फिर साइन थीटा को क्या लिखना है मैंने टी, तो ये आ गया प्लस सेवन टी और प्लस का आ जाएगा थ्री, फिर इंटीग्रेशन डी टी। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं, टू इंटू थ्री सिक्स आ रहा है सामने, बीच में हमारे पास में सेवन, तो सेवन को क्या लिख सकते हैं अपन सिक्स इंटू वन, तो ये आ जाएगा मेरे पास में टू टी स्क्वायर प्लस सिक्स टी प्लस टी प्लस थ्री। तो इसके हमारे पास में फैक्टर क्या हो गए टू टी प्लस वन और आ जाएगा मेरे पास में टी प्लस थ्री। अब इसको इंटीग्रेट करना है, ध्यान से देखो क्या यही आ रहे हैं टू टी स्क्वायर टू टी इंटू थ्री, बिल्कुल यही आ रहा है, तो ये हमारे पास में मिल रहा है फंक्शन, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन करना कैसे करेंगे ये देख लेते हैं, यहाँ पर डी टी अपॉन टू टी प्लस वन और टी प्लस थ्री, इसका हमको क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। तो क्या करेंगे, फिर मैंने बताया आपको ऊपर वाले के ऊपर क्या लेके आना है, या तो एफ टी या एफ डैश टी का फंक्शन, ऐसे प्रकार का हमको कुछ लेके आना, या इन दोनों का डिफरेंस अगर हम लिख देते हैं, इन दोनों का डिफरेंस अगर हम लिखें और उसके अंदर कुछ ऐसा टर्म लिखें जिससे हमारे पास में ऊपर टी ना आए, जिससे हमारे पास, हालांकि हमारे पास में एक तरीका है ए अपॉन टू टी माइनस प्लस वन प्लस बी अपॉन टी प्लस वन इस प्रकार करने का, लेकिन हम इसमें नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे इसको देखो क्या मॉडिफाई करते हैं, टू टी प्लस वन था मेरे पास में, उसमें से अगर मैं माइनस कर देता हूँ, अब माइनस टी प्लस वन तो नहीं कर सकता क्योंकि ऊपर क्या बचेगा टी का टर्म बच जाएगा, तो हम क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं टू टी प्लस थ्री। अब यहां पर देखो टू टी प्लस वन है, यहां पर है माइनस टू टी और माइनस टू इंटू थ्री, ये हमारे पास में है। अब यहां पे ऊपर बच क्या रहा है, ये क्या मिल रहा है हमको, ये मिल रहा है टोटल मेरे को मिल रहा है टू टी से टू टी कट जाएगा, यहां पर वन है यहां पर माइनस सिक्स है, ये मिल रहा है मेरे को माइनस फाइव ठीक है। अब मेरे को यहाँ पर ऊपर क्या है मेरे पास में वन है, वन इंटू डी टी है ना, ऊपर है वन इंटू डी टी, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसको लिख सकता हूँ इसको और नीचे लिख देता हूँ माइनस फाइव, तो ये मेरे को माइनस फाइव मिल रहा है, माइनस फाइव अगर मैंने नीचे लिख दिया माइनस फाइव से माइनस फाइव कट गया, मिलेगा मेरे को वन, और इस चीज का फायदा क्या होगा अभी आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ माइनस वन अपॉन फाइव को मैंने नीचे लिख दिया ठीक है, इसको वन को मैं इस प्रकार लिख रहा हूं, तो माइनस वन अपॉन फाइव आ गया नीचे और ये क्या आ गया ऊपर मेरे पास में इंटीग्रेशन टू टी प्लस वन और माइनस टू टी प्लस थ्री अपॉन टू टी प्लस वन इंटू इंटू कितना है मेरे पास में टी प्लस थ्री टू डी टी, ये चीज आपको समझ में आ गई है। अब मैं क्या करता हूँ माइनस वन अपॉन फाइव, अब डिवाइड कर देते हैं दोनों को, इसमें डिवाइड कर देते हैं, अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, टू टी प्लस वन का इसमें इसका डिवाइड गया इसमें, तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या वन अपॉन टी प्लस थ्री और ये क्या बचेगा माइनस टू अपॉन टू टी प्लस, ये मेरे को मिलने वाला है।
ठीक है। अब क्या करें, इसके अंदर अपन 2 का डिवाइड दे देते हैं ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे अगर मैं 2 का डिवाइड दे देता हूं तो ये मेरे पास में मिल जाएगा, या फिर इसको ऐसा ही रख देते हैं एक बार, ठीक है। तो मेरे पास में आ जाएगा ये माइनस 1/5। अब 1/t+3 इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग मोड टी प्लस थ्री, और इसका क्या हो जाएगा माइनस 2 बार ले लेते हैं, लॉग 2t+1 मोड, और नीचे क्या आ जाएगा अपॉन में आ जाएगा 1/2, क्यों, क्योंकि हमारे पास में t का यहाँ पर कोफिशियंट 1 नहीं है, और प्लस में आ जाएगा c, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ब्रैकेट में हमने बंद कर दिया, 2 से 2 वहां पर कट जाएगा, माइनस 1/5 सबसे बाहर था, ये ब्रैकेट में हमने बंद कर दिया, और प्लस में आ गया कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आ गया हमारा कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये आ गया मेरे पास में माइनस 1/5 लॉग, लॉग कितना आ जाएगा टी प्लस थ्री अपॉन 2t+1, ये हमको मिल रहा है प्लस सी। अब यहाँ पर क्या, अब करना क्या है, टी की वैल्यू पुट कर देनी है, टी की वैल्यू क्या थी हमारे पास में साइन थीटा, तो हम टी की वैल्यू पुट कर देंगे, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास में, आई की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में माइनस 1/5 लॉग कितना साइन थीटा प्लस 3 अपॉन 2 साइन थीटा प्लस 1 प्लस सी, ये हमको मिल रहा है फंक, और बोला क्या गया है, बोला ये गया है ए लॉग ई बी थीटा प्लस सी, तो बी थीटा अपॉन ए, तो बी थीटा कितना आ रहा है मेरे पास में, बी थीटा आ रहा है मेरे पास में, एक सेकंड, बी थीटा हमारा आ रहा है वहां पर, बोला है साइन, सॉरी बी थीटा आ रहा है मेरा साइन थीटा प्लस 1 साइन थीटा प्लस 2, तो इसको मैं लिख सकता हूं यहां पर, इसको मैं अगर ऐसा लिखूं आई की वैल्यू मेरे पास में अगर ऐसी आ जाए, माइनस 1 को अगर मैं अंदर भेज देता हूं तो ये आ जाएगा 1/5 लॉग ई, तो है ये मेरे माइनस 1 को अगर मैं अंदर भेजूंगा तो इसकी पावर में आ जाएगी माइनस 1, पावर में माइनस 1 आ जाएगी, मतलब इसका क्या करना देगा रेसिप्रोकल, 2 साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 3 प्लस सी। अब यहां पर देखो ये हमारा 1/5 आ गया है, ए की वैल्यू मेरे पास में क्या आ गई है, ए की वैल्यू मेरे पास में आ गई है 1/5, तो ये आ गया मेरा 1/5, ठीक है, और बी थीटा कितना आ रहा है मेरे पास में, बी थीटा आ रहा है मेरे पास में यहां पर, बी थीटा आ रहा है मेरे पास में कितना, माइनस 1 भेजने के बाद में आया 2 साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 3, तो 2 साइन थीटा, बी थीटा कितना आया मेरे पास में 2 साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस, ये हमको मिल रहा है बी थीटा, पूछा है इसने बी थीटा अपॉन ए, तो बी थीटा ये है, ए मतलब इसका नीचे जाएगा तो 1/5 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो बी थीटा अपॉन ए आ जाएगा मेरे पास में, बी थीटा अपॉन ए मैं यहां पर लिख देता हूं, बी थीटा अपॉन ए मेरे को मिलेगा 2 साइन थीटा प्लस 1 अपॉन अपॉन में क्या आएगा साइन थीटा प्लस 3, साइन थीटा प्लस 3 और अपॉन में आ जाएगा 1/5, तो ये 1/5 ऊपर जाके कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 3, ठीक है, ये हमको मिल रहा है, तो 5 मल्टीप्लाई में 2 साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 3, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, 2 साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 3, डेली ऑप्शन हमको मिल रहा है एकदम करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर, अगला क्वेश्चन है हमारा द इंटीग्रल, जितना टफ ये क्वेश्चन लग रहा है उतना टफ ये है नहीं, आप एक बार इसको करिए, देख लेते हैं, आई मेरे को पूछा है लेट आई बराबर 1 से 2 ई की पावर एक्स, अब देखना जादू होने वाला है एक्स, ये देखो ये सिर्फ आपके दिमाग से खेलते हैं, क्वेश्चन इतने टफ नहीं बनते, 2 प्लस लॉग एक्स को मैं क्या लिख रहा हूँ, 2 प्लस लॉग एक्स को मैं लिख रहा हूँ 1 प्लस लॉग एक्स,
ऐसा लिख सकता हूं ना मैं। अब क्या कर देता हूं सर, अब ऐसा कर देते हैं e की पावर x जो है 1 से 2, x की पावर x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करने पे आ गया x की पावर x प्लस x की पावर x 1 प्लस log x, ठीक है, ये हमको मिल रहा है। अब मैं अगर इसको fx बोल देता हूं, अगर मैं इसको fx बोलता हूं तो क्या ये अपडेट x आ रहा है, तो हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है i बराबर, अगर हमको दिया हुआ है, हमको इंटीग्रेशन करना है किसका, e की पावर x fx प्लस एफ डैश एक्स का, ठीक है, तो ये आएगा मेरे पास में e की पावर x fx, करती है यहाँ पे e की पावर x fx प्लस एफ डैश एक्स होना जरूरी है। तो क्या ये fx है, बिल्कुल मान लिया सर, क्या ये एफ डैश एक्स आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, करके देख लेते हैं, हमारे पास में x की पावर x है, fx बोल देते हैं उसको, ठीक है सर, बोल दिया। अब क्या करते हैं इसका डिफरेंशिएशन, तो पहले लॉग ले लेते हैं x log x, ठीक है सर, अब क्या कर दो इसका डिफरेंशिएशन बोथ साइड, तो क्या जाएगा 1 अपॉन fx इंटू एफ डैश एक्स, और ये किसके बराबर आ जाएगा x log x का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो पहले x का किया ये आ गया 1, तो log x ऐसा का ऐसा, फिर हमने x को ऐसा का ऐसा रखा, log x का कर दिया, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन x, तो ये कट के आ गया मेरे पास में log x प्लस 1, और ये एफ एक्स चला जाएगा ऊपर, तो एफ डैश एक्स मेरे पास में कितना आ जाएगा, एफ डैश एक्स आ जाएगा एफ एक्स क्या x की पावर x, तो x की पावर x 1 प्लस log x, ये हमारा मिल रहा है। तो हमारे पास में fx ये है और ये है एफ डैश x, तो हम यहाँ पे सीधा बोल सकते हैं, तो i क्या आ जाएगा मेरे पास में, ये हो गया fx और ये हो गया एफ डैश x, हमें पता है e की पावर x fx प्लस एफ डैश x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x इंटू fx, fx कितना है x की पावर x। अब इसका क्या कर देते हैं, लिमिट लगा देते हैं 1 से 2, ये कितनी आ जाएगी, 2 रखा मैंने e स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, माइनस रखा तो आ जाएगा e इंटू 1, ये आ जाएगा e, तो यहाँ से मैंने e कॉमन लिया 4e माइनस 1, कोई ऑप्शन दिख रहा है हमको e 4e माइनस 1, कलकत्ता ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमको एक बार ध्यान से देखो, क्या हमको ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन सेम नहीं दिख रहा है, क्या ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन हमको सेम नहीं दिख रहा है, क्या ढंग से देखो एक बार, अगर ढंग से देखोगे तो आपको ये दोनों ऑप्शन सेम दिखेंगे, और ये हमारी गलती हुई थी जेई मेंस के अंदर, ठीक है, कौन से में 2019 के अंदर जनवरी के अंदर जो पेपर आया था उसके अंदर, तो हम इसके दोनों ऑप्शन डायरेक्ट कर सकते थे, अगर हम ऑप्शन को देख लेते और अगर सिर्फ ऑप्शन को देख लेते तो दिख जाता है यार कि दोनों ऑप्शन सेम है, दोनों ऑप्शन सेम है, और दोनों ऑप्शन जेई मेंस के अंदर सेम कैसे हो सकते हैं, कुछ गड़बड़ी है, तो हम दोनों टिक करके आ जाएंगे और आंसर करेक्ट, ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, सीधे साधे बच्चे, इंटेलिजेंट बच्चे, हम क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। इसने बोला है एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू एन पाई प्लस वन वेयर एन बिलोंग्स टू एन, ठीक है, द सेट ऑफ एन नेचुरल नंबर द इंटीग्रल, तो इसने एक्स तो बता दिया, डिफाइन कर दिया, अब यहां पर क्या बोल रहा है, एक्स इंटू 2 sin x square minus 1 minus sin 2 x square minus 1, अब यहां पर देखो हमारे पास में x square minus 1 दिया है, इस x का फैक्टर क्यों दिया है, इसीलिए दिया है कि ताकि आप इसको t मान सको, इसको आप क्या मान लो, t मान लो, t मान लोगे तो सर ये dx में चला जाएगा, ठीक है सर, dt में अगर देख लेते हैं कैसे चला जाएगा, तो मैं बोल देता हूँ x square minus 1 को बोल देता हूँ t, तो 2x dx कितना आ जाएगा मेरे पास में dt, तो x dx कितना आ गया dt by 2 आ रहा है, तो लिख देते हैं यहाँ पर, ये है मेरा x और ये है मेरा dx, इसको मैं क्या लिखूंगा dt by 2, तो 1 upon 2 तो आ गया बाहर, ठीक है, और अंदर क्या बचा, अंदर बचा मेरे पास में 2 sin t minus sin 2t, अच्छा upon upon में आ जाएगा 2 sin t plus sin 2t और इंटू आ जाएगा dt, ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन 2 sin t, इस sin 2t को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 sin t इंटू cos t, इस sin 2t को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 sin t इंटू cos t, अब 2 sin t यहाँ से कॉमन लेंगे, 2 sin t यहाँ से कॉमन लेंगे और यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे, कट जाएगा, बचेगा क्या, ऊपर बचेगा मेरे पास में 1 माइनस cos t अपॉन 1 प्लस cos, समझ में आनी चाहिए ये चीज, 2 sin t है, यहाँ पे बता देता हूँ 2 sin t माइनस है sin 2t,
टू टी, उसको मैं लिख सकता हूँ टू साइन टी इंटू कॉस टी, और नीचे है मेरे पास में टू साइन टी और यहाँ पे प्लस है तो टू साइन टी कॉस टी, तो ये टू साइन टी टू साइन टी टू साइन टी कट जाएगा, यहाँ बचेगा वन वन माइनस कॉस टी, ये लिख दिया वन माइनस कॉस टी और नीचे आ गया वन प्लस कॉस टी। ठीक है, अब ये हमको पता है किसका फॉर्मूला होता है, टेन टी बाई टू का फॉर्मूला होता है, या फिर इसको सोल्व कर लेते हैं, वन माइनस कॉस टी को क्या लिखेंगे टू साइन स्क्वायर टी बाई टू, इसको क्या लिखेंगे वन प्लस कॉस टी को टू कॉस स्क्वायर टी बाई टू, टू से टू कटेगा तो यहाँ पर आई कितना आ जाएगा मेरे पास में, क्या आ जाएगा वन अपॉइंट टू इंटीग्रेशन, वन अपॉइंट टू इंटीग्रेशन कितना हो गया टू साइन स्क्वायर टी बाई टू अपॉन टू कॉस स्क्वायर टी बाई टू, से टू कट जाएगा इंटू डी टी है, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर टी बाई टू और उसको अंडर रूट में लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा टेन टी बाई, ठीक है ये आ जाएगा मेरे पास में टेन टी बाई टू, तो टेन टी बाई टू तो वन अपॉन टू मेरे पास में बाहर है। अब हम जानते हैं टेन टी बाई टू का इंटीग्रेशन कितना आएगा, tan t by 2 का इंटीग्रेशन कितना आएगा log sec t by 2 और यहां आ जाएगा 1 upon 2 नीचे तो ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा ऊपर जाने के बाद में और वो वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस c। ठीक है, तो यहां से 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास में आंसर log sec और t की जगह हम क्या रख देंगे, t की जगह हम क्या रख देंगे x स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है और अपॉन में आ जाएगा ये आ गया मेरे पास में मोड के अंदर प्लस सी, तो कोई ऑप्शन दिख रहा है लॉग सेक एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू, लॉग सेक एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू, एक तो ये दिख रहा है। अब ये और ये सेम कैसे, मैंने क्या किया यहां पर पावर बढ़ा दी है और यहां पर क्या कर दिया है वन अपॉन टू, ठीक है क्योंकि अगर ये अंदर जाएगा, अगर ये अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा वन अपॉन टू इसकी पावर में जाएगा तो टू इंटू वन बाई टू कितना आ जाएगा टू इंटू वन बाई टू यही आ जाएगा लॉग सेक, देखो ये है ना मेरे पास में बाहर, अगर इसको अंदर लेके जाएंगे तो पावर में आएगा तो सेक टू इंटू वन बाई टू होगा तो टू इंटू वन बाई टू कितना आ जाएगा ये ही आ जाएगा। तो इसके अंदर ध्यान रखना इसके अंदर दोनों ऑप्शन करेक्ट है ए और डी, ठीक है इसके अंदर दोनों ऑप्शन करेक्ट थे जेई मेंस ने, अगर दोनों ऑप्शन लिखे कोई समझदार हो समझ गया होगा पहले वाले आंसर निकाल के उसने जल्दी से हटा दिया होगा, ठीक है और कोई समझदार ये भी समझ गया होगा यार ये वाला आंसर भी क्या है सही है, तो अगर जिसने दोनों लिखे उसको भी मार्क्स दिए थे, जिसने ये लिखा है उसको भी दिए थे, जिसने ये लिखा उसको भी दिए गए थे। ठीक है दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन बोल रहा है द वैल्यू ऑफ कॉस एक्स का मोड और उसका क्यूब है, तो हम जानते हैं कॉस एक्स जो है हमारा उसका ग्राफ क्या होता है, उसका ग्राफ होता है सर ये वाला, ठीक है यहां से जीरो से पाई बाई टू के अंदर तो क्या होता है पॉजिटिव होता है और पाई बाई टू से लेके ये पाई तक की बात कर रहा है ना, तो पाई बाई टू से पाई तक क्या होगा नेगेटिव होता जाएगा, तो मोड हमारा दो जगह खुलेगा, तो मोड को हम कैसे ब्रेक करेंगे लेट आई बराबर जीरो से पाई कॉस एक्स मोड का क्यूब, इसको मैं क्या लिखूंगा इसको लिखूंगा सर मैं जीरो से पाई बाई टू यह आ जाएगा प्लस का कॉस क्यूब एक्स फिर माइनस का पाई बाई टू लेके पाई और ये आ जाएगा कॉस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है अब मैं इसको क्या बोल सकता हूँ आई की वैल्यू मेरे पास में कितनी आएगी, आई की वैल्यू आएगी अब कॉस क्यूब एक्स है, अब इसका तो हम डायरेक्ट कर नहीं सकते क्यूब के अंदर, ठीक है तो हम क्या करेंगे इसको ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला होता है कॉस थ्री एक्स बराबर क्या होता है जल्दी बताइए, कॉस थ्री एक्स होता है फोर कॉस क्यूब एक्स माइनस थ्री कॉस एक्स, तो हम क्या कर देंगे फोर कॉस क्यूब एक्स माइनस थ्री कॉस एक्स, ये किसके बराबर आता है ये आता है मेरा कॉस थ्री एक्स के बराबर, तो इस थ्री कॉस एक्स को उधर भेज देते हैं तो कॉस क्यूब मेरा कितना आ जाएगा कॉस क्यूब एक्स मेरा आ जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ नीचे थ्री कॉस एक्स प्लस कॉस थ्री एक्स अपॉन अपॉन में आ जाएगा मेरे पास में फोर, ये हमको मिलने वाला है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इसको कॉस क्यूब एक्स को क्या लिख देंगे कॉस थ्री एक्स प्लस थ्री कॉस एक्स या थ्री कॉस एक्स प्लस कॉस थ्री एक्स मतलब कॉस 3x प्लस थ्री कॉस एक्स अपॉन आ जाएगा 1 बाई फोर, तो 1 बाई फोर को मैंने बाहर ले लिया इंटीग्रेशन कर दिया कहाँ से कहाँ तक जीरो से लेके पाई बाई टू इंटू डी एक्स प्लस प्लस नहीं माइनस ये माइनस है मेरे पास में इंटू डी एक्स और ये आ जाएगा माइनस, ठीक है ये माइनस है मेरे पास में माइनस पाई बाई टू से लेके कहाँ तक पाई तक और कॉस क्यूब एक्स को क्या लिख रहे हैं अपन कॉस थ्री एक्स वन बाई फोर फिर बाहर ले लेते हैं तो वन बाई फोर सबके बाहर ले लेते हैं यहाँ पर बाहर ले लिया सबसे तो ये आ जाएगा मेरे पास में कॉस
थ्री एक्स प्लस थ्री कॉस एक्स, इसका हमको क्या करना है इंटीग्रेशन। चलिए कर देते हैं, आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में, वन अपॉन फोर बाहर है। कॉस थ्री एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस थ्री एक्स का इंटीग्रेशन होगा साइन थ्री एक्स अपॉन थ्री, और इसका आ जाएगा प्लस थ्री साइन एक्स। चल ये बाहर लगा देते हैं ब्रेकेट, और ये आ जाएगा मेरा जीरो से लेके पाई बाई, फिर आएगा माइनस, माइनस के बाद में क्या आएगा मेरे पास में, यहाँ पर देखो कॉस थ्री एक्स का भी फिर ये सेम ही है इंटीग्रेशन, तो बस क्या है लिमिट चेंज है, लिमिट चेंज है। तो कॉस थ्री एक्स का आ जाएगा साइन थ्री एक्स अपॉन थ्री, और ये आ जाएगा थ्री साइन एक्स, लिमिट क्या हो जाएगी चेंज। अब लिमिट लगा देंगे यहाँ पर, क्या लिमिट लग जाएगी मेरे पास में पाई बाई टू से लेके पाई, ये मेरी लिमिट लग जाएगी। एक बार ध्यान से देख लीजिए इसको, ठीक है, आई क्या आ रहा है वन अपॉन फोर साइन थ्री एक्स अपॉन थ्री प्लस थ्री साइन एक्स जीरो से लेके पाई बाई टू, फिर ये आ रहा है पाई बाई टू से लेके पाई माइनस का में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान देने की बात ये है, इसका आंसर देखना कितना आसानी से आएगा, पाई बाई टू यहाँ पर रखा मैंने साइन थ्री एक्स के अंदर, तो साइन थ्री पाई बाई टू कितना होता है साइन टू सेवेंटी जीरो, साइन थ्री पाई बाई टू, सॉरी साइन थ्री पाई बाई टू है ना, साइन थ्री पाई बाई टू जीरो नहीं होता, पाई बाई टू यहाँ रखा मैंने कितना आ जाएगा साइन थ्री पाई बाई टू, ये आ जाएगा वन अपॉन फोर, साइन थ्री पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है माइनस वन, तो माइनस वन अपॉन थ्री, फिर यहाँ पर रखा मैंने पाई बाई टू तो ये कितना आ जाएगा प्लस का थ्री, के बाद में फिर मैंने रखा जीरो तो ये सब पूरा हो जाएगा जीरो, तो यहाँ पर हो गया खत्म, माइनस जीरो कर देते हैं, ठीक है। फिर बाद में माइनस वाले पे चलते हैं, यहाँ पर मैंने पाई रखा थ्री पाई पे जीरो, पाई पे भी जीरो, फिर रखते हैं पाई बाई टू, तो पाई बाई टू पे कितना आ जाएगा मेरे पास में साइन पाई बाई टू, पाई बाई टू पे तो यही वाला आ जाएगा, यही वाला, तो कितना आ जाएगा माइनस वन अपॉन थ्री प्लस थ्री, ये वाला आ गया, तो ये इससे कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास में जीरो, मतलब कलकत्ता मेरा क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। ध्यान से ले लो, ध्यान से देखो और बताओ समझ में आया कि नहीं आया, एक सेकंड, पहले पाई रखा, पाई रखने पे ये कितना हो गया जीरो जीरो, माइनस का साइन है, माइनस का साइन है, ये गलती कर दी भैया, देखो माइनस का साइन यहाँ है, यहाँ पर माइनस का साइन है, ठीक है। फिर मैंने अगर पाई रखा तो आया जीरो, फिर वापस आएगा माइनस का साइन, फिर आएगा माइनस का साइन, यहाँ पर आएगा माइनस का साइन, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा दोस्तों, तो ये प्लस हो जाएगा ना, तो इसको मैं लिखता हूँ ऐसे, देखो आई आ जाएगा मेरे पास में वन अपॉन फोर, इसलिए जितनी आवश्यकता हो कम से कम उतना तो लिखना ही चाहिए वरना गलती हो जाती है। साइन थ्री पाई बाई टू कितना हो गया वन माइनस वन, तो ये आ गया माइनस वन अपॉन थ्री, ठीक है। प्लस कितना आ जाएगा ये थ्री साइन एक्स, ये आ जाएगा मेरे पास में प्लस का थ्री, ठीक है। उसके बाद में क्या हो रहा है, ये कितना मिला मेरे को जल्दी बताइए, ये कितना मिला पाई बाई टू जीरो पे कितना मिल रहा है जीरो, तो ये आ जाएगा माइनस का जीरो। अब यहाँ पर है माइनस का साइन, तो मैं पूरा क्या दूंगा ब्रैकेट अंदर, ये ब्रैकेट में यहाँ पर रखूंगा, फिर क्या रखूंगा पाई रखूंगा, तो ये आ जाएगा जीरो, जीरो आ जाएगा, और माइनस पाई बाई टू रखूंगा तो ये आ जाएगा माइनस वन अपॉन थ्री, और प्लस ये मेरे को मिल रहा है, ठीक है, ये मेरे को मिल रहा है, तो माइनस वन अपॉन थ्री और ये हो जाएगा प्लस वन अपॉन थ्री, ये तो कट जाएंगे। आई मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर वन अपॉन फोर माइनस वन अपॉन थ्री प्लस, और ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस कितना हो गया, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस हो गया और प्लस, और ये माइनस कितना हो गया फिर से माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस वन अपॉन थ्री और माइनस वन अपॉन थ्री। उसके बाद में ये कितना आ रहा है माइनस माइनस प्लस और प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर ये हो गया माइनस माइनस प्लस और प्लस इंटू माइनस आ गया मेरे पास में माइनस का थ्री। तो इसका आंसर आ रहा है मेरे पास में इसको अपन ऐसा सॉल्व नहीं करते, आई की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, आई है मेरे पास में वन अपॉन फोर, यहां पर देखो ध्यान से माइनस वन अपॉन थ्री प्लस थ्री कितना हो जाएगा एट अपॉन थ्री, तो लिख दिया एट अपॉन थ्री, यहां पर देखो माइनस माइनस प्लस, तो अब प्लस का फिर से क्या आएगा एट अपॉन थ्री, क्योंकि माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो प्लस का
एट अपॉन थ्री, तो ये आ गया मेरे पास में आई बराबर वन अपॉन फोर, और ये आ जाएगा एट अपॉन थ्री, एट अपॉन थ्री मिलके हो गया सिक्सटीन अपॉन थ्री, सिक्सटीन अपॉन थ्री हो गया तो ये आ जाएगा सिक्सटीन अपॉन थ्री, ठीक है मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा चार से चार सोलह, कितनी बार जाएगा चार बार, तो फोर अपॉन थ्री, तो क्या फोर अपॉन थ्री दिख रहा है, बिल्कुल आगरा ऑप्शन, तो आगरा होगा हमारा करेक्ट ना कि जीरो, ठीक है। बड़ा ही पेचीदा कर दिया था इस सवाल ने भी, माइनस वन अपॉन थ्री प्लस थ्री, यहां पर माइनस साइंस का ध्यान रखना है, साइंस का अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारी भी गलती होने की गुंजाइश बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, तो गलती नहीं करनी है। जेई मेंस के अंदर हमको मात्र दो से तीन मिनट लगने वाले हैं, उससे ज्यादा मिलेंगे ही नहीं हमको, दूसरा क्वेश्चन छूट जाएगा फिर। यहाँ देख लेते हैं टेन थीटा अपॉन अंडर रूट टू के सेक थीटा इंटू डी थीटा, तो यहां पर देखो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, सेक थीटा का ऊपर डेरिवेटिव है नहीं है, तो इसको किस में चेंज करते हैं, साइन और कोस में चेंज करते हैं एक बार, तो ये आ गया जीरो से लेके पाई बाई थ्री, टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन अपॉन कोस, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू टू के सेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ वन अपॉन कोस, तो ये आ जाएगा वन अपॉन कोस, वन अपॉन कोस, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस कोस थीटा को अंदर भेज दे रहा हूँ, कोस थीटा को अंदर भेजूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, जीरो से पाई बाई थ्री, जीरो से पाई बाई थ्री, ऊपर है साइन थीटा ऊपर है ही है, नीचे क्या आ जाएगा कोस थीटा अंदर जाने के बाद में हो जाएगा अंडर रूट टू के कोस थीटा, क्योंकि हमारे पास में अंदर इसको भेजेंगे तो कोस जाएगा या कोस स्क्वायर जाएगा, कोस स्क्वायर जाएगा सर, तो कोस स्क्वायर अंदर चला जाएगा और क्या हो जाएगा, एक कोस से एक कोस कट गया, बचेगा हमारे पास में कोस थीटा, तो यहाँ पर अब क्या कर सकता हूँ मैं, वन अपॉन रूट टू के को मैं ले लेता हूँ बाहर, वन अपॉन रूट टू के को मैंने ले लिया बाहर, क्यों लिया, क्योंकि कांस्टेंट है, जीरो से लेके पाई बाई थ्री, नीचे क्या है ऊपर है साइन थीटा डी थीटा आ गया, यहाँ पर साइन थीटा डी थीटा अपॉन आ गया मेरे पास में अंडर रूट कॉस थीटा। अब अगर मैं कॉस थीटा को टी मानता हूँ, कॉस थीटा को अगर मैं टी मानता हूँ तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अगर मैं टी बोलता हूँ तो मेरे पास में कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा कितना आ जाएगा डी टी के बराबर, तो माइनस सॉरी साइन थीटा प्लस का इंटू डी थीटा कितना आ गया माइनस डी, एक काम करते हैं साइन थीटा इंटू डी थीटा की जगह क्या लिख देते हैं माइनस डी टी, तो कितना आ जाएगा ये माइनस डी टी अगर रखेंगे तो माइनस बाहर ले लेते हैं माइनस वन अपॉन रूट टू के, ऊपर कितना आ जाएगा डी टी, नीचे आ गया मेरे पास में टी की पावर वन बाई, इस काम को क्या करना है इंटीग्रेशन करना है, अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो हम कर देंगे, कितना आएगा टी की पावर वन बाई टू, ऊपर जाके क्या हो जाएगा टी की पावर माइनस वन अपॉन टू, तो ये आ जाएगा माइनस वन अपॉन रूट टू के, ठीक है, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है जीरो से लेके पाई बाई, अब यहाँ पर लिमिट चेंज होगी, यहाँ पर लिमिट कैसे चेंज होगी सर, जीरो रखा तो कितना आएगा टी वन आया, सर पाई बाई थ्री रखा, पाई बाई थ्री रखा, पाई बाई थ्री रखा, टी कितना आया वन अपॉन टू, ये वन अपॉन टू लिख दिया, ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास में t की पावर माइनस वन अपॉन टू का मैंने अगर इंटीग्रेशन किया तो कितना आएगा t की पावर वन अपॉन टू और बाहर आ जाएगा टू, और अब लिमिट डाल देंगे हम कहां से कहां तक, ये क्या सही आया है, t की पावर वन अपॉन टू को मैं क्या लिख सकता हूँ t की पावर माइनस वन अपॉन टू, और उसका इंटीग्रेशन क्या होगा t की पावर माइनस वन अपॉन टू प्लस वन, और नीचे आ जाएगा माइनस वन अपॉन टू प्लस वन, तो ये कितना आ जाएगा टू t की पावर वन बाई, ठीक है, ये हमको मिल गया है। अब लिमिट डाल देंगे कहाँ से कहाँ तक, वन से लेके वन अपॉन टू, चलिए डाल देते हैं माइनस, अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ ये टू है ये रूट टू, ऊपर क्या आ जाएगा रूट टू, नीचे क्या आ जाएगा रूट के, और यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास में ये टू से इधर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है माइनस का है, और ये आ जाएगा मेरे पास में वन अपॉन टू की पावर वन अपॉन टू, वन अपॉन टू की पावर वन अपॉन टू का मतलब क्या हुआ सर, देखो वन अपॉन टू और उसकी पावर है वन अपॉन टू, तो वन की पावर वन बाई टू तो वन हो गया, और टू की पावर वन बाई टू कितना हो गया अंडर रूट टू, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया ये हो गया मेरे पास में वन अपॉन रूट टू, और वन रखने पे आया माइनस, अब इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस, इधर से मैंने कॉमन लिया इधर माइनस है ऑलरेडी, तो क्या आ जाएगा रूट टू अपॉन रूट के, और इसकी वैल्यू आ रही है अंदर है मेरे पास में वन माइनस वन अपॉन रूट टू, कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ यहां से मैंने सिर्फ क्या किया है माइनस कॉमन लिया, तो माइनस कॉमन लेने पे क्या आ जाएगा वन माइनस वन अपॉन रूट टू, कॉमन लिया तो ये माइनस ऑलरेडी यहाँ पे था, माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे प्लस, अब ये बोल रहा है इसकी वैल्यू जो हमारे पास में है वो इसके बराबर है, तो इसके बराबर है तो मैं बोल दूंगा अंडर रूट टू अंडर रूट के
और 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2 की वैल्यू ये बोल रहा है किसके बराबर है, 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2 के, तो यहां से ये कट जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट 2 अपॉन रूट के, कितना आ गया मेरे पास में 1, तो यहां से k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू मेरे को कितनी मिल रही है, 2 मिल रही है, ठीक है। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन मेरे को करेक्ट दिख रहा है, आगरा, आगरा ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर ऊपर है कोई फंक्शन, नीचे है, तो इसको क्या करना है, ऊपर वाले नीचे वाले को फिर से ऐसा बनाना है कि हमारे पास में ऊपर क्या मिल जाए, अपने x मिल जाए। अगर ये एफ एक्स है, अगर ये fx है तो ऊपर क्या मिल जाए हमको, f डैश x के फॉर्म में मिल जाए। तो क्या यहां पर अभी मिल रहा है हमको x square का differentiation 2x1 का 0, 2x की power 7 का 14, x की power 6 नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको modify करते हैं, इसको modify करते हैं, तो fx कितना आ जाएगा मेरे पास में, fx आ जाएगा मेरे पास में integration 5x की power 8 plus 7x की power 6 हाईएस्ट पावर जो है ना उसको बाहर ले लो, हाईएस्ट पावर को बाहर लिया तो कितना आया, x की पावर 17, 14, ठीक है, यह बचा मेरे पास में, हाईएस्ट पावर बाहर लिया कितना आया, 1 अपॉन x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x की पावर 7 प्लस 2, और ये आ गया मेरे पास में पावर कितनी है इसकी, ठीक है, इनटू में आ जाएगा dx। अब मैं इसको t मानूं, अब ध्यान देखना, इसको t मानो, अब पहले x की पावर 14 से इसको डिवाइड दे देते हैं, तो fx कितना आ गया मेरे पास में, fx आ जाएगा मेरे पास में डिवाइड देने पे 5x की पावर 8 में से 14 गया कितना आया, माइनस का 6, फिर 7x की पावर 6 में से 14 गया माइनस 8, और इंटीग्रेशन अपॉन में आ गया मेरे पास में 1 अपॉन x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x की पावर 7 प्लस 2, पावर में आ जाएगा मेरा स्क्वायर इनटू dx, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको t मान लेते हैं, इसको अगर मैं t मानता हूं, अगर मैं इसको t मान लेता हूं तो देखते हैं क्या आता है, 1 अपॉन x की पावर 5, ये इसको मैं लिख देता हूं x की पावर माइनस 5, क्योंकि इसको मैं उल्टा विपरीत लिख सकता हूं, प्लस 1 x की पावर माइनस 7 प्लस 2 को अगर मैं t मानता हूं तो dt क्या आ रहा है मेरे पास में, वो देखते हैं, माइनस 5 x की पावर माइनस 6 माइनस 7 x की पावर माइनस 8 प्लस 2 का हो जाएगा 0 इंटू dx कितना आ जाएगा मेरे पास में, ये आ जाएगा dt के बराबर, ठीक है, ये आ गया मेरा dt के बराबर। तो ये देखो यहाँ पर माइनस 5, अब ये यहाँ से ले लेता हूँ मैं माइनस कॉमन, 5x की पावर माइनस 6 प्लस 7x की पावर माइनस 8 इंटू dx बराबर आ गया dt, अब ये जो है मेरा क्या मिल रहा है, माइनस dt के बराबर। तो 5x की पावर माइनस 6 प्लस 7x की पावर माइनस 8 इंटू dx किसके बराबर मिल रहा है मेरे को, माइनस dt के बराबर। तो f, अब x नहीं लिखे, अब हम क्या लिखेंगे, t लिख देंगे, क्या आ जाएगा ft मेरा आ जाएगा dt अपॉन t स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास में dt अपॉन t स्क्वायर। अब t स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम जानते हैं कितना आ जाएगा, 1 अपॉन t स्क्वायर का हम इंटीग्रेशन जानते हैं कितना आ जाएगा, t की पावर माइनस 2, t की पावर माइनस 2 को डिफरेंशिएट अगर हम सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे, t की पावर हम कर रहे हैं ft, कितना आ जाएगा t की पावर माइनस 2 इंटू dt, इंटीग्रेशन कर रहे हैं कितना आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन t और प्लस t आ गया माइनस 1 अपॉन t, कितना माना था मैंने, t माना था 1 अपॉन t माना था मैंने, एक सेकंड यहां लिख देते हैं अगली स्लाइड पे, f t आ जाएगा मेरे पास में, f t आया मेरा माइनस 1 अपॉन t प्लस c, तो f x कितना आ गया मेरे पास में, f x आ गया माइनस 1 अपॉन x की पावर 1 अपॉन x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x की पावर 7 प्लस 2 और प्लस आ गया c। तो f0 की वैल्यू मेरे को बोल रहा है, ये f0 की वैल्यू कितनी बोल रहा है, f0 की वैल्यू मेरे को बोला जा रहा है 0 के बराबर है, तो 0 के बराबर रख देते हैं किसकी वैल्यू,
चलिए, तो बोल रहा है एफ जीरो मेरा जीरो के बराबर है, एफ जीरो मेरा जीरो के बराबर आ रहा है। तो यहां से अगर मैं देखता हूं डी टी अपॉन टी स्क्वायर, डी टी अपॉन टी स्क्वायर, लेकिन यहां पर मैंने माइनस का साइन नहीं लगाया था, ये माइनस का साइन लगेगा यहां पर, तो ये हो जाएगा प्लस, वन अपॉन टी आ रहा है हमारा आंसर। तो अभी आया कैसे एक बार फिर देख लो, कहीं कंफ्यूजन ना हो। हमारे पास में ये क्या आया, फाइव एक्स की पावर माइनस सिक्स प्लस सेवन एक्स की पावर माइनस एक्स एट इंटू डी एक्स, कितना आ रहा है मेरा पास में माइनस डी टी, ठीक है। ये मेरा आ रहा है किसके बराबर है, ये माइनस उधर जाएगा तो किसके बराबर आएगा माइनस डी टी के, तो ये मैंने यहाँ पर डी टी रख दिया था, माइनस डी टी रखना रहा था, माइनस डी टी अपॉन टी स्क्वायर, तो ये आ गया मेरे पास में माइनस टी की पावर माइनस टू इंटू डी टी का इंटीग्रेशन, तो ये आ जाएगा वन अपॉन टी प्लस सी। चलो इसको रख देते हैं यहाँ पर, तो अब यहाँ पर देखो ये आएगा प्लस, ये आएगा प्लस, सब प्लस हो जाएंगे ये, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ, एफ एक्स कितना आ रहा है मेरे पास में, एफ एक्स आ रहा है एक्स की पावर सेवन आया मेरे पास में यहाँ पर एलसीएम, और ऊपर तो वन था ही, नीचे क्या आएगा यहाँ पर एक्स की पावर फाइव आया, इसका डिवाइड दिया इसमें कितना आया एक्स स्क्वायर, प्लस इसमें दिया वन प्लस एक्स की पावर सेवन, और ये आ जाएगा टू, ठीक है। और ये आ गया, अब x की पावर सेवन को ऊपर भेज देंगे तो एफ एक्स कितना आ जाएगा मेरे पास में x की पावर सेवन अपॉन x स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स की पावर सेवन। मेरे को एफ जीरो निकालना है, तो एफ जीरो कितना आ जाएगा जीरो प्लस सी आएगा ना प्लस सी, तो एफ जीरो अगर जीरो आ रहा है तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ सी भी कितना आएगा जीरो के बराबर, तो सी बराबर आ गया जीरो। अब उसने पूछा क्या है, एफ ओ क्या पूछा है, एफ वन की वैल्यू बतानी है, तो एफ ऑफ वन कैसे आ जाएगा, एफ ऑफ वन आ जाएगा मेरे पास में यहाँ पर वैल्यू रखेंगे एक्स की पावर सेवन वन की पावर सेवन, वन का स्क्वायर प्लस वन प्लस टू इंटू वन की पावर सेवन, तो ये आ गया वन अपॉन फोर, तो एफ वन की वैल्यू आ गई मेरे पास में वन अपॉन फोर, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जनवरी 2019 के अंदर आया था। इस क्वेश्चन को करने से पहले क्या करना है, एक चीज का ध्यान रखना है, साइन एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, साइन एक्स की वैल्यू होती है माइनस वन से लेके वन तक होती है, ठीक है। तो अगर माइनस वन से लेके वन, अगर माइनस वन और लेस देन वन हो, लेस देन वन हो, इक्वल टू वन ना हो, तो इक्वल टू वन नहीं होने पर क्या आएगा, साइन एक्स की वैल्यू मेरी आएगी जीरो के बराबर, अगर उस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर वो फंडा बहुत काम आने वाला है, एक बार उस चीज को देख लेंगे। तो ये ब्रेक कैसे होगा, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक जा रहा है, लेकिन इसको ब्रेक कैसे करेंगे, तो माइनस पाई बाई टू है वो माइनस वन से क्या होता है छोटा होता है, तो पहले माइनस वन तक जाएंगे, ठीक है। तो डी एक्स क्या आ जाएगा मेरे पास में, अगर मैं माइनस पाई बाई टू से माइनस वन की बात कर रहा हूँ, तो ये कितना होगा x, x मेरा माइनस पाई बाई टू से माइनस वन है, तो x कितना आ जाएगा मेरा माइनस का वन या माइनस टू, माइनस, ठीक है सर। उसके बाद में साइन x है वो कितना आ जाएगा सर, वो आ जाएगा मेरे पास में साइन x। अब साइन x की वैल्यू हमको पता है कुछ भी रखो नेगेटिव के अंदर, तो वो क्या देगा, कम से कम नेगेटिव वैल्यू तो देगा, लेकिन वो क्या होगी माइनस वन से बड़ी होगी, लेकिन माइनस वन से बड़ी होगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बना देगा उसको, माइनस वन बना देगा, और प्लस फोर है हमारे पास में। फिर हम कहां से कहां तक जाएंगे बच्चा, फिर हम जाएंगे माइनस वन से लेके जीरो तक। सर यहां से यहां तक क्यों जा रहे हैं, क्योंकि ये जो भैया है ना बैठे हैं, ये अपनी प्रवृत्ति चेंज कर लेंगे जीरो से के बाद में, ठीक है। तो माइनस वन से जीरो तक ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है माइनस वन, तो डी एक्स अपॉन ये कितना आ जाएगा माइनस वन, और सर साइन एक्स भी कितना आ जाएगा हमारे पास, साइन एक्स भी क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो नेगेटिव ये वन से माइनस वन से छोटा हो नहीं सकता, तो माइनस वन इसका आ जाएगा जी आई एफ, और फिर आए हमारे पास में, और फिर है मेरे पास में जीरो से लेके, जीरो से लेके वन। अब जीरो से लेके वन तक ये भैया क्या होते हैं जीरो होते हैं, और ये भी क्या हो जाएंगे जीरो, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू जीरो से लेके वन के बीच में होती है, तो ये आ जाएगा डी एक्स अपॉन, डी एक्स अपॉन कितना आ जाएगा मेरे पास में जीरो प्लस जीरो प्लस, तो जीरो प्लस जीरो प्लस फोर हमारे पास में मिल रहा है। फिर बात करेंगे वन से लेके पाई बाई टू, अब वन से पाई बाई टू के अंदर ये क्या होगा, वन से लेके पाई बाई टू तक, वन से पाई बाई टू में ये भैया कितने होंगे वन से, अब एक्स की वैल्यू वन से बड़ी है और टू से छोटी है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा मेरे पास में, ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा वन के बराबर,
वन प्लस और साइन एक्स ये होता है जीरो से वन के बीच में, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी और प्लस फोर है हमारे पास में। तो अब यहाँ से इसका इंटीग्रेशन निकालना है सबका, इसको मैं बोल देता हूँ आई के बराबर एक बार, तो आई कितना आ जाएगा मेरे पास में, ये फोर है, ये माइनस वन है और ये माइनस टू है, कितना हुआ मिलके फोर माइनस थ्री, फोर माइनस थ्री मतलब वन, तो डी एक्स का करना है हमको वन डी एक्स, वन डी एक्स कितना हो जाएगा मेरे पास में एक्स, लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगा दी, माइनस पाई बाई टू से लेके माइनस वन तक बस, और ये कितना है माइनस वन और माइनस में मिलके हुआ माइनस टू, तो फोर माइनस टू टू, तो ये आ जाएगा वन अपॉन टू, और हमको क्या करना है लिमिट लगाने देनी है माइनस वन से जीरो, फिर प्लस के अंदर आ जाएगा मेरे पास में ये वन अपॉन फोर, तो ये आ जाएगा वन अपॉन फोर और ये हो जाएगा एक्स, मतलब कहाँ से कहाँ तक जीरो से लेके वन, फिर प्लस के अंदर मैं बोलता हूँ ये है वन अपॉन फाइव, तो ये आ जाएगा वन अपॉन फाइव और पाई बाई टू, सॉरी एक्स कहाँ से कहाँ तक वन से लेके पाई बाई, ठीक है ये मैंने बता दिया। तो आई की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ जाएगी, आई आ जाएगा मेरे पास में, यहाँ पर मैंने थोड़ा इसको टेढ़ा लिख दिया है, समझने की एक बार कोशिश करना, तो ये आ जाएगा मेरे पास में माइनस वन और ये आ जाएगा प्लस पाई बाई टू, ठीक है सर इसका किया आपने, अब इस पर चलते हैं प्लस वन अपॉन टू जीरो जीरो माइनस माइनस वन, ठीक है फिर बाद में आ जाएगा प्लस वन अपॉन फोर, फिर आ जाएगा वन माइनस जीरो, फिर आ जाएगा वन अपॉन फाइव और ये आ गया मेरे पास में पाई बाई टू माइनस वन, ठीक है ये हमको मिल रहा है। अब यहाँ से देखो ये माइनस वन है और क्या है ये है वन बाई टू और ये क्या है ये है मेरे पास में वन बाई टू प्लस का, ये है वन बाई फोर प्लस का और ये है माइनस का वन अपॉन फाइव, इनको अलग लिख लेते हैं। यहाँ पर आई की वैल्यू मेरे पास में क्या क्या आ रही है, आई आ रहा है मेरे पास में माइनस वन अलग और क्या है अलग वन अपॉन टू इंटू प्लस वन, ये आ गया प्लस का वन बाई टू, ठीक है उसके बाद में वन अपॉन फोर प्लस का, उसके बाद में वन अपॉन फाइव इंटू माइनस वन, ये किसका आ जाएगा माइनस का, तो यहाँ पर इसको लिख देते हैं। और पाई वाले टर्म कौन से है पाई बाई टू और ये है पाई बाई टेन, तो प्लस पाई बाई टू प्लस पाई अपॉन टेन, ये हमको मिल रहा है। अब यहाँ से मैं आई की वैल्यू निकालू अगर, तो ये कितना हो गया माइनस वन बाई माइनस वन और ये प्लस का वन बाई टू, माइनस वन और प्लस वन बाई टू मिलकर कितना हुआ माइनस वन बाई टू, और माइनस वन बाई टू में अगर वन बाई फोर जोड़ा तो कितना आएगा मेरे पास में माइनस का वन अपॉन फोर, और उसमें से माइनस वन अपॉन फाइव किया, यहां पर मेरा आई निकलेगा माइनस वन प्लस वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन फोर माइनस वन अपॉन फाइव प्लस पाई बाई टू माइनस पाई बाई टेन, क्या यही है पाई बाई टू प्लस पाई बाई टेन, ठीक है तो यहां से मैं इसको लिख सकता हूँ आई की वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ गया मेरे पास में यहां तक हुआ वन बाई टू प्लस वन बाई फोर थ्री बाई फोर, उसमें से वन गया तो माइनस का वन अपॉन फोर माइनस वन अपॉन फाइव प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ पाई बाई टू माइनस पाई बाई टेन, आई आ गया मेरे पास में। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम इनका कितना आ रहा है बीस, बीस आ रहा है, तो चार को इससे डिवाइड किया आ गया पाँच बार माइनस चार प्लस टेन पाई, टेन पाई आ रहा है ना, फिर आ जाएगा माइनस का टू पाई, टोटल कितना हो गया आई की वैल्यू आ गई मेरे पास में माइनस नाइन प्लस एट पाई अपॉन ट्वेंटी। तो ऑप्शन हमको दिख रहा है कौन सा, ऑप्शन हमको कोई दिख रहा है या नहीं, नहीं अंदर फोर पाई या सेवन पाई, तो हमारे पास में क्या हम फोर पाई बना सकते हैं, फोर पाई या सेवन पाई, बिल्कुल फोर पाई हम बना सकते हैं, तो अगर मैं फोर कॉमन लेता हूँ तो कितना आ जाएगा फोर पाई, सॉरी टू कॉमन लेता हूँ तो कितना आ गया यहाँ पर फोर पाई, और ये आ गया मेरे पास में टू कॉमन लिया है ना मैंने, तो नाइन के अंदर से तो मैं टू कॉमन ले नहीं सकता, तो किस में से कॉमन लिया जाए, तो अगर मैं कॉमन लेता हूं तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहां पर मैं डिवाइड कर देता हूं थ्री से, थ्री से अगर डिवाइड करता हूं मैं, क्या यहां पर थ्री है नीचे, नीचे है ट्वेंटी, तो थ्री इंटू फोर पाई माइनस थ्री, फोर पाई माइनस थ्री चार इंटू पाँच बीस, दस माइनस का है ये, पाई बाई टेन क्या माइनस के हैं, पाई बाई टेन क्या माइनस के हैं, ये देखो पाई बाई टेन प्लस के हैं, तो पाई बाई टेन को हमको प्लस रखना है, ये प्लस आ जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा अब, तो आई की वैल्यू मेरे पास में आ जाएगी माइनस नाइन प्लस बारह पाई बट्टे बीस, तो यहाँ से मैंने क्या ले लिया फोर कॉमन ले लिया, तो थ्री कॉमन ले लिया थ्री
ये हो गया पाई माइनस थ्री, फोर पाई माइनस थ्री और अपॉन में आ जाएगा 20. तो 3/20 फोर पाई माइनस थ्री, 3/20 फोर पाई माइनस थ्री, आगरा ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. चले आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ जाते हैं. अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, चलिए द इंटीग्रल पाई बाई सिक्स से लेके पाई बाई फोर डी एक्स साइन टू एक्स टेन की पावर फाइव एक्स प्लस कोट की पावर फाइव एक्स, इसको हम कैसे सोल्व करते हैं. तो यार हमको टेन जहां पर भी दिखे ना तो वहां पर हमको सेक स्क्वायर बनाने की कोशिश करनी है कि सेक स्क्वायर कहीं पर बना ले, या साइन दिखे तो कोस बनाओ, कोस दिखे तो साइन बनाओ, कोट दिखे तो कोसेक स्क्वायर बनाओ, ऐसा हमको बनाना है. तो टेन में एक बार चेंज करते हैं, तो साइन टू एक्स को अगर मैं लिखूं, क्या लिखूं, टू टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर, ठीक है, और वन प्लस टेन स्क्वायर ऊपर जाके क्या बन जाएगा tan x. तो एक बार इस तरीके से हम करके देखते हैं, sin 2x को मैं लिखता हूं 2 tan x upon 1 plus tan square x, फॉर्मूला होता है हमारे पास में, sin 2x है, sin 2x को मैं क्या लिख सकता हूं 2 sin x into cos x, और नीचे क्या है 1 plus sin square x plus cos square x, sin square x plus cos square x. अगर मैं cos square x से डिवाइड कर दूं ऊपर नीचे तो क्या मिलेगा 2 tan x upon 1 plus tan square x, क्या मिलेगा, बिल्कुल सर मिलने वाला है. तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा, इसको मैं अगर क्या लिखे हूं डी एक्स अपॉन साइन टू एक्स को मैं लिख देता हूं टू टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं टेन की पावर फाइव एक्स प्लस फोर्ट को मैं लिख सकता हूं वन अपॉन टेन की पावर फाइव एक्स, ऊपर आ गया डी एक्स और पाई बाई सिक्स से लेके पाई बाई फोर, ठीक है. तो यहां पर ये चला जाएगा ऊपर और ये भी चला जाएगा ऊपर, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और अपॉन में कितना आ जाएगा मेरे पास में 2 टेन एक्स है, और ये आ जाएगा मेरे पास में 10 की पावर 10 एक्स की पावर 10, और ये आ जाएगा प्लस 1, और ऊपर यहां पर क्या आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर, ये हमको मिल रहा है पाई बाई सिक्स से लेके पाई बाई फोर तक, सॉरी. चलिए तो ये हमको मिल रहा है. अब एक काम करते हैं, इस टेन से तो ये टेन उड़ गया एक, तो ये बचेगा मेरे पास में यहाँ से फाइव उड़ के कितना आ जाएगा फोर, तो टेन की पावर फोर इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और नीचे बन रहा है टेन की पावर टेन, इसको मैं लिख सकता हूँ टेन की पावर फाइव का स्क्वायर, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ टेन की पावर फाइव एक्स का स्क्वायर. अब अगर मैं टेन की पावर फाइव एक्स को क्या मान लेता हूँ, टी मान लेता हूँ, तो टेन की पावर फाइव एक्स को अगर मैं t मान लेता हूं तो ये कितना आ जाएगा 5 10 की पावर 4x इंटू सेक स्क्वायर x dx बराबर आ जाएगा dt, ठीक है, ये हमारे पास में आ गया बराबर. तो अब क्या करते हैं, इसको मैंने t माना, ये पूरे क्या हो रहे हैं dt के अंदर आ रहे हैं, तो 5 अगर नीचे चला जाए यहां से, तो ये अगर नीचे चला जाए 5 dt बाई 5, तो 10 पावर में 4x इंटू सेक स्क्वायर x इंटू dx किसके बराबर आ रहा है dt अपॉन 5, तो यहां पर मेरे पास में वैल्यू क्या आ रही है पाई बाई सिक्स. अब पाई बाई सिक्स नहीं रहेगा, अब क्या रहेगा, लिमिट भी चेंज होगी क्योंकि हमने क्या किया है, चेंज किया है, तो 10 की पावर x, 10x की पावर 5, 10x की पावर 5, x 10 x की जगह मैंने रखा पाई बाई सिक्स, x की जगह मैंने रखा पाई बाई सिक्स, तो 10 5 पाई बाई सिक्स किसके बराबर आ रहा है, 10 पाई बाई सिक्स का मतलब हो गया 10/30, 1/√30 का 1/√3 का पावर 5, ये आ जाएगा मेरे पास में 1/9√3, 1/9√3, ठीक है. और क्या बचा मेरे पास में, और है मेरे पास में पाई बाई फोर, तो 10 पाई बाई फोर तो हमको तो पता है 1 ही होता है, तो इसके पावर में 5 कितना आ जाएगा 1 के बराबर, तो ये आ जाएगी मेरे पास में 1/9√3, और ये कहाँ तक जा रहा है 1 तक, ठीक है, और ये पूरा मिल गया डी टी के अंदर, और 1/5 आ गया मेरा बाहर, तो डी टी अपॉन, और 2 भी है मेरे पास में तो ये आ जाएगा इन टू में भी 2, ठीक है, 2 भी आ जाएगा बाहर इधर, तो ये आ गया मेरे पास में टी स्क्वायर प्लस 1.
टेन की पावर फाइव को हमने माना टी, और उसके बाद में हमारे पास हुआ ये पूरा डिफरेंशिएशन करने के बाद में ये आया डी टी अपॉन फाइव। डी टी अपॉन फाइव हमने रखा और टू हमारे पास में पहले से था, उसको भी बाहर भेजा, ठीक है, ये हमको मिल रहा है। अब हमें पता है डी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, हम सब जानते हैं क्या होता है, टेन इनवर्स टी। तो ये आ जाएगा मेरे पास में वन अपॉन टेन टेन इनवर्स टी, और लिमिट कहां से कहां तक लगनी है, लिमिट लगनी है वन अपॉन नाइन रूट थ्री, और यह है वन, वन अपॉन टेन टेन इनवर्स वन माइनस इनवर्स वन अपॉन नाइन रूट, ये हमको मिल रहा है। अब क्या देखो, कोई ऑप्शन है हमारे पास में, अब टेन इनवर्स वन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, फाइव बाई फोर लिख सकता हूँ, तो ऑप्शन हमारा ए ही करेक्ट हो जाएगा, फाइव बाई फोर माइनस टेन इनवर्स वन अपॉन नाइन रूट थ्री, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा, सेम ए ऑप्शन हमको मिल रहा है, उसके अलावा कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा एकदम क्या है, करेक्ट बिल्कुल। चलिए अब चलते हैं, ये शायद हमारा था लास्ट क्वेश्चन, और अब आपको अलविदा कहना चाहेंगे एक ब्यूटीफुल सॉन्ग के साथ में, ठीक है, क्योंकि हमारा कल क्या है, 26 जनवरी, हमारा कल है 26 जनवरी, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन, जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ था, चलिए आज हम अलविदा देते हैं आपको, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए अच्छे से जान लगा के।